हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मामले की गंभीरता को देखते हुए आज हम भी आए हैं अपनी हाजिरी लगाने आप सबके सामने, जो कि बहुत जरूरी था। नहीं, जरूरी इस वजह से भी था कि ना दो तीन चीजें मैं देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार ना बोलूं। तो किसी ने सही कहा है कि पानी सर के ऊपर जब जाने लगे ना तो हाथ पैर मार के इंसान को उससे बाहर आ जाना चाहिए। और इन सबसे पहले बात में आगे बढ़ने से पहले, जो भी हमारी चीजें हैं, बातें हैं, उनमें आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सास ससुर से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, क्योंकि हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम ये सारी बातें बोलें। वैसे तो बोलने या ना बोलने की तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर जिस टाइम ये सारी चीजें की गई उस टाइम डिसीजन ले लिया गया होता, अगर आपके सामने नहीं हुआ होता, आपके पीठ पीछे अगर ये सारी बातें हुई होती मेरे साथ, तो शायद मैं नहीं बोलती। मैं सोचती कि शायद मेरे सास ससुर यहाँ पर होते तो ये सब नहीं होता। लेकिन जो भी हुआ मेरे साथ, जो भी घटना घटी है, सारे आपके सामने हुई है, इसलिए अभी जिस चीज के लिए है अभी हम वहां तक भी पहुंचते हैं, पहले जो चीज अभी शुरू हो रखी है उस पे फुल स्टॉप लगाते हैं। शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो, ठीक है, तो आप लोग तो पूरे वीडियोस को देखिएगा और अपनी राय और कमेंट दीजिएगा। दो तीन दिन से देख रहा हूं कि कभी कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, कभी कुछ। दो तीन लोग ऐसे भी हैं जो आके कपल वीडियो बना दे रहे हैं कि हमारे घर में ऐसे है, हम ये करते हैं, हम औरतों की इज्जत औरतों के ऊपर। तो भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि जो करता है उसे बोलने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती, बात नंबर एक। बात नंबर दो कि ऐसे हालात हुए ही क्यों हैं, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि आज मुझे भी सोशल मीडिया के थ्रू किसी से बात करनी पड़ रही है। तो आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हो कि हमारे घर में इस तरीके का माहौल हो गया कि हम आपस में फेस टू फेस शायद बात ही नहीं करते, शायद क्या करते ही नहीं है। इसीलिए आज ये कैमरे का सहारा लेना पड़ रहा है, वरना इतनी अच्छी अगर बात होती और इतने ही अच्छे वो होते तो आप ये कैमरे पे जाके मैसेज देने के लिए मुझे मजबूर नहीं करते। अब आप लोग समझ रहे हो कि ये घर की बातें बाहर क्यों आ रही है, ठीक है। मैंने ना बहुत टाइम अभी इग्नोर कर दिया, अब मेरे भी बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि आप लोगों ने ना मतलब शराफत छोड़ने पे ना मजबूर कर दिया है। कुल मिला के कहानी ये है, मैं कामनी को समझाऊं कि आप मत बोलो, ठीक है भाई नहीं बोली। अजीत आप मत बोलो, ठीक है भाई नहीं बोल रहे। यार आप लोगों ने हमारी बड़ों की मतलब शराफत का एकदम फायदा ही उठा लिया है। चलो अब आते हैं मेन बात पे, औरतों की इज्जत है, ये है वो है, मोर्चा पे आते हैं ना, मोर्चा पे। तो भाई देखो, मैं जो भी अपनी मतलब जितनी भी मैं बुद्धि रखता हूँ या जो भी मुझे समझ है जिंदगी को जीने की या जो भी मेरा नजरिया है, उसमें ये कि ऐसे हालात है क्योंकि हमें कैमरे का सहारा लेके एक दूसरे से बात करनी पड़ रही है। हम सेकेंड फ्लोर पे क्यों आए, इसके पीछे भी तो बहुत ठोस कारण है। लोग कह रहे हैं कि भाई आप मैं एक छोटी सी बात है कि हम कैमरे पे जाके सिंपैथी नहीं लेते, हम रोते नहीं है, रो रो के वीडियो मत बनाओ, सांप पाल रखे हैं, इस तरीके के कमेंटों को आस्तीन के सांप पाल रखे हैं, वो हमें डंक मार रहे हैं फिर भी हम पाल रखे हैं, मतलब हमें ही बोलेंगे जब हमारे घर का कोई ये बात कमेंट कर सकता है कि हम आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। पहले वो खुद को तो पाल ले, अपने चले के ढंग ना ननवे टेढ़ बाबू वाली बात हो गई यार ये तो। और सबसे बड़ी बात देखो ये होती है, धरती पे ना कोई किसी को नहीं पालता, सब अपना ना रोजी रोटी या कुछ भी दाना पानी ऊपर से लिखवा के आते हैं। नहीं यार, पाला है ना कुछ दिन। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, पाला है और ये है और वो है, तो उस तरीके से वो चीज़ों को ना तोड़ मड़ोड़ के नमक मिर्च लगा के ज़्यादा वो मत करो कि। और इस तरीके के कमेंट को ना जब कोई एंटरटेन करता तब मुझे आता है सबसे ज़्यादा गुस्सा, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, जो शुरुआत कह रहे हैं वुमन पावर की और ये बात बोलने की है ना कि बहुत रिस्पेक्ट कर किया जाता है, मैं साफ सीधे बोल रही हूँ, मेरे देवर आके बोल रहे हैं कि उनके सामने वाला उनको जानबूझ के ये सारी बातें बोल रहा है, प्रोवोक कर रहा है। हाँ, कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि मैं सबकी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आज ऑन कैमरा सबसे बोल रही हूँ कि आप किसी भी औरत की इज्जत नहीं करते हैं। जो इज्जत करता है वो औरतों के लिए ऐसे लैंग्वेज रखता ही नहीं है। आपने ऑन कैमरा एक शब्द बोला है, सोचो लोगों को कितनी आग लगी है। और आप याद करो कि आपने ऑफ कैमरा मुझे कितना बोला है और कितनी गंदी और भद्दी शब्द का यूज किया है। तो मैं एक पॉइंट और, मेरे को ना सबसे ज्यादा तो ये एक नौटंकी लगती है हर किसी की,
और आजकल तो ये मतलब ज्यादातर कपल्स ऐसे ही करने लगे हैं, एक रोएगा एक चुप कराएगा, एक रोएगा एक चुप कराएगा, हमें पता है घड़ियाली आंसू ना हर जगह जाके बहाया मत करे करो। नहीं नाटक एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लिया जाता है, एक्टिंग में भी क्लास वो है, ऐसी नाटक एक्टिंग कर करके इतने गंदे गंदे मुझ पर इल्जाम लगाए गए हैं ना, और ऐसी ऐसी गालियां सुनवाई गई है, जो इंसान यहाँ आके कह रहा है ना यूट्यूब पे कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसने इतने भद्दे और गंदे लैंग्वेज मेरे लिए यूज किए हैं सबके सामने। एक बार तो उस इंसान का बिहेवियर ऐसा रहा है ना मेरे साथ कि ये बस नहीं थे, नहीं हटो ना, शांत की बात नहीं है, ये नहीं थे, वरना अगर दोनों साथ में होते ना तो कोई एक हॉस्पिटल में होता जो चीज मेरे साथ किया गया था उस टाइम। और कह रहे हैं ना कि प्लेटफॉर्म पे यहाँ यूट्यूब पे सामने लेके आएंगे, माँ को लेके आएंगे, बहन को लेके आएंगे, माँ और बहन सब लोग उस टाइम सामने थे, बहनों ने बोला भी कि नहीं भाभी के साथ ऐसे हरकतें नहीं कर सकते हो, फिर भी वो इंसान नहीं, मैंने क्या कहोगे उस बारे में, वशीकरण था आपके ऊपर जो आपने किया है मेरे साथ, हाँ माँ आपकी रोती और गिड़गिड़ाती रह गई आपके सामने, किसके साथ मत करो ऐसा, वो सारी हरकतें आपने की है, क्या मैं यहाँ आके बोलूँ क्या क्या किया है आपने मेरे साथ। और बस हमेशा हमेशा मुझे इन पे भी कभी कभी गुस्सा आया कि यार क्यों मैं पड़ी हूँ इस घर में, इस तरीके से क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं नहीं सुनो, जब भी माँ और बेटे के बीच में लड़ाई होती थी, बहू और छोटी बहू और माँ के बीच में किसी भी बात को लेकर कहा सुनी होता था ना, सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जाता था कि ये सब कर रही है, मतलब क्या क्या था उसका प्रूफ कि मैं कर रही हूँ, क्यों कि मेरे साथ वो सब नहीं हुआ था। अरे इतनी इतनी बातों का ना आप लोगों ने बतंगर बनाया इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ, मैंने कभी नहीं बनाया अपने सास के साथ कोई भी ऐसी बात। सोशल मीडिया पे आके घर की बात एक तो कर ही नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, घर में भी ठीक है, पहले थोड़ा सा शांत हो, मैंने कभी आपसे भी कोई शिकायत नहीं करी, इसलिए आपके भाई को भी पता नहीं चला, ठीक है। जब भी किसी लड़की की शादी होती है ना तो इतनी इतनी से ना ऊंच नीच होता रहता है, ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी घर में होता है, लेकिन मेरा किसी को कितना भी ऐसे कैसे हो सकता, कितना भी अच्छा ससुराल हो, हर किसी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, किसी की भी थिंकिंग नहीं मिलती है, लेकिन मेरी बात कोई भी बात सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने वो बात किसी से शिकायत ही नहीं करी। और वही बात जब दूसरी बहू आई तो कोई भी बात होता था तो इतनी इतनी बातों को लेकर घर में खुद ही ड्रामा करेंगे सबके सब, सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगाएंगे, कपड़े में कलर लग गया ना कामनी नहीं लगा कि उसे छुपा दिया होगा हमारी अलमारी, इस हद तक इल्जाम लगाएंगे, पूरी कोशिश की गई। मैं आज बता रही हूँ, मैंने जोशो को बोला हुआ था ना, पापा जी मजबूर होके उनके अपने छोटे बेटे बहू के कलेश की वजह से उन्होंने बोला था कि घर में यही कलेश होता रहेगा ना तो यूट्यूब बंद कर दो, और कितनी सफाई से आके वो बार बार बोले हैं कि मेरे पिताजी ने कब बोला है कि यूट्यूब किसी भी बहू को बंद करने के लिए, मैंने तो नहीं सुना, अरे आपके सामने बोला है ये यूट्यूब बंद करने के लिए, आपके सामने मैंने बोला है। गार्डियन है, उन्होंने अपना जीवन बहुत शांति से बिताया, और जब उसमें पापा जी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने दुखी होकर परेशान होकर बोला हुआ था, घर के बड़े ना दुखी हो जाते हैं और फिर उनके बाद हम लोगों की इस घर में मतलब हम बड़े हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई छोटा आके बड़ा बनने की कोशिश करे ये सोचे कि भाई हम ही अपने तरीके से इस चीज को चलाएं, ऐसे करें वो करें। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में देखा कि किचन नहीं बटेगा तो ऐसे नहीं होगा, मेरे जीते जी फालतू फंड के ना, नहीं ये देखो तानाशाह वाली बात यही हो गई, तानाशाह वानाशाह कुछ नहीं है, ये फालतू फंड की नौटंकी है, ठीक है, क्या बांटना है क्या। पर वो सोशल मीडिया पर तो ये मैसेज दिया गया ना कि तानाशाह इस चीज के, मैं जब तक जिंदा हूँ नहीं बंद होगा, या क्या कर लो, किस पे, हाँ किस पे कंट्रोल कर सकते हो, अपने पे कर सकते हो, अपने वाइफ पे कर सकते हो, अपने बच्चे पे कर सकते हो, अभी मेरे को किसी तीसरे पे नहीं। एक बात और याद आई, किसी ने कमेंट किया होता है एक वीडियो पे कि इसी तरीके से रो रो के सिंपति पाके तो व्यूज ले रही है, पैसे कमा रही है और अपने घर का इंटीरियर करवा रही है, तो भाई सुनो, आपके जैसे जो लोग हैं भगवान उन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, ठीक है, कि आप कम से कम और कुछ ना सही, अगर आपको सद्बुद्धि भी ना मिले ना तो प्रेमानंद जी महाराज को सुन लेना, हो सकता है कि आपके दो चार अगर आपने जाने अनजाने में पाप किए हो तो आपको थोड़ी मन को शांति मिल जाएगी। यहाँ पे क्रिएटर कम्युनिटी में कोई भी हो, चाहे मैं हूँ एक्स वाई जेड, किसी भी बड़े या छोटे किसी को भी ले लो, सब कोई व्यूज से पैसा ही कमाता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है सिर्फ और सिर्फ किसी का नाम ले लेने से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस इंसान को पोक कर देने से। कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट की जाती है हमारे घर में, हाँ नहीं आज हुई तो है, मैं क्लियर बताऊंगी ना कि उसका उसका ना, देखो गाइस मैं एक एक बात बोलूंगी ना, एक एक बात का प्रूफ ना इस यूट्यूब पे है, मैं सिर्फ बोल दूंगी कि आप ये चीज जाकर देख लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दूसरी बात मैं उस इंसान के लिए बोलूंगा कि भाई भगवान आपको सद्बुद्धि दे, या बहन मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि यूजर कुछ करके लिखा हुआ उस कमेंट पे, उनकी तो बात हुई, लेकिन हमारी परिवार के किसी सदस्य ने उस कमेंट को लाइक किया हुआ था, तो मुझे उस टाइम भी बड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्या बात है, और तुम कहते हो कि हम कंट्रोवर्सी करते हैं, लाइक तुम करो, पिन तुम करो, ऐसे कमेंट्स पे रिप्लाई तुम करो, और फिर कहो कि यार वो क्या है कंट्रोवर्सी हम कर रहे हैं,
तो ये चीज गलत है। और ये चीज मैंने बार, सिर्फ बार, लास्ट बार, लास्ट अपने वीडियो से एक वीडियो से और ये दो ये तीसरा चौथा वीडियो हो सकता मतलब दो दिन के अंदर में जो वीडियोस है ना उस पे मैंने सिर्फ लाइक के अपने बटन दबाए हैं जो भी बोल रहा था उससे पहले मैंने कभी नहीं दबाया। और मेरे लिए हमेशा ही दूसरे चैनल पे ठीक है सामने वाला हमेशा जब भी मेरे नेगेटिव बोला जाएगा ना उस चीज को लाइक करेगा उसे रिप्लाई करेगा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ और भी कई यूट्यूबरों के साथ ऐसी अपनी होशियारी दिखाई जा चुकी है जिसके शिकार हो चुके हैं वो लोग ठीक है। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि किचन नहीं बटने देंगे तो वो मुझे ये बताया कि मुझे ऊपर ये क्यों बटा गया घर क्यों बटा गया। तीन तो रूम इसीलिए बना था ना कि तीनों जन साथ में रहेंगे तो मुझे ऊपर क्यों भेजा गया। आप लोग इतने दिनों से ये सवाल पूछ रहे थे ना कि आप ऊपर क्यों आई आपका ही कुछ कुछ लोग तो इस हद तक गिर गए बोले कि आप ही जरूर झगड़ा करती होंगी या लड़ाई करती होंगी इसलिए सास ने भेज दिया होगा सास भी तो नीचे ही रह रही है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ मेरे सासू माँ ना थोड़े से हेल्थ वाइज नहीं मैं ये बता रही हूँ वो अपने इज्जत को लेके ना थोड़ा सा मतलब वो रहती है सिक्योर मतलब वो चाहती है कि मेरी इज्जत ना उछले ठीक है इसलिए वो चुप रहती है। और उन्होंने कहते ना नंगा से गंगा हरान नहीं तो ऐसी इज्जत का क्या फायदा कि हम चुप रहे और सामने वाला एक आके बोल जाए तो वो घर की इज्जत नहीं उछल रही है। हाँ तो यही बात मैं कहने वाली थी कि लोग अभी कहेंगे कि अभी क्या कर रहे हो तो अभी यही कर रहे हैं कि जब सामने वाला ऐसा करेगा तो हमारे लिए मतलब शुरुआत कोई भी करे कोई वुमेन कार्ड खेले कोई सिंपथी कार्ड खेले ठीक है तो हमारे हाँ तो हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है और हम ये सारी चीजें मैं यहाँ पे ना एक मिनट रुकना और सोशल मीडिया पे मैं बता रही हूँ आज से 1.5 साल पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि सामने मुझे जितना चाहे गाली दिया जा रहा था बोला जा रहा था मैं ऐसे ऐसे कांप के रहती आज भी आप लोग मुझे देखते हो 1.5 साल पहले की बात है। हाँ 1.5 साल पहले की आज भी लोग मुझे देखते हैं ना कि मैं अपने आप से कोशिश करती हूँ ना कि कोई यार कुछ मुझसे कोई गलती ना हो जाए कोई कुछ कहे कोई बोल के तो दिखाए आपको कुछ रहने दो क्या रहने दो मैडम तो इसीलिए तो अब इनडायरेक्ट बोल रहा है उस पे आके। हाँ तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल रहा है उसको जवाब देना भी तो हमारा काम है। हाँ तो अभी जवाब दो आप मैं ये चीज क्लियर कर रही हूँ आज से 1.5 साल पहले मैं ये चीज क्लियर कर रही हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसे करके रखा जाता था इसलिए बातें सोशल मीडिया पे नहीं आती थी सारी बातें जितनी मर्जी मुझे गाली दे दो बोल दो कुछ भी कर दो और मैं तो कभी बोलती नहीं थी सोशल मीडिया पे आके ठीक है। अभी 2 साल जो मेरे भाई की शादी में हुआ उसके बाद से ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आने लगी क्योंकि मैंने अपना सब गवा दिया भाई वाली शादी की बात से ना अभी मुझे पहले सारी बातें क्लियर कर दो उसके बाद भाई की जो शादी की बातें हैं वो भी आज इसी वीडियोस में मैं बता दूंगी उस टॉपिक पे तो मैं बोलूंगा कि भाई की शादी पहले मैं अपनी बात क्लियर कर लूं ऊपर आने वाली बात है ना। मैं जब ऊपर आ रही थी ना मेरी सासू माँ रो रही थी रोने में सिर्फ मन नहीं रो रहा था आंखों से इतने आंसू गिर रहे थे उनके कि ये मेरी बहू ऊपर जा रही है वहां जहाँ पे एक भी रूम में दरवाजा नहीं था ये फ्लैट खाली था बोला गया ना है एक ऊपर रहेंगे एक नीचे रहेंगे फैसला पता है किसने किया जो अभी तानाशाही दिखा रहे हैं कि हम किचन नहीं बटने देंगे उस इंसान ने बोला ठीक है। इन्होंने ये बात भी रखी तो ठीक है भाई तो तू जा ऊपर। अरे तू कैसे बोल सकता है कि मैं ऊपर जाऊँ जस्ट बिकॉज उनकी नौकरी ज्यादा अच्छी है या फिर इनकी नौकरी बीच में छूट गई थी कभी छूटी भी है जब ये बात हुई थी क्योंकि 1.5 साल तो ऊपर आए हुए हो गया 2 साल ध्यान नहीं है जो भी हो मतलब यही ठीक है वरना ये बात 2 साल हो गई ना हाँ तो 2 साल ऊपर आए हुए भी हो गए हाँ ये बात कोई कब बोलेगा कि तू कैसे बोल सकता भाई कैसे नहीं बोल सकते जब बड़े हैं तो। और जब तुम्हें इंटीरियर करवाना ही था कि कैसे भी करवाना ही है उस रूम को उस फ्लोर को ऐसे छोड़ देते हम तो उसी में रहते क्योंकि वो हमारे सास ससुर ने इतने उससे किया हुआ था उनको बहुत दुख हुआ सारे टूटे तो। लेकिन नहीं जाना है ये ब्लैकमेल करके भेजा गया कि अगर तुम दोनों 1 हफ्ते के अंदर मैं ऊपर नहीं गए ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब यार मुझ जैसे इंसान क्यों चाहेगा कि कोई घर छोड़ के जाए बिना मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं तो हटो परेशान ऐसे ऐसे मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि ऊपर जाओ वरना घर छोड़ भाग जाऊंगा। मेरे जैसा इंसान भैया ऊपर ही चलो मम्मी इतना रो भी रही है मम्मी मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी घर में अच्छा हो तो नमक रोटी खा के भी हाँ तो, इसलिए नमक रोटी हम खा रहे हैं यहाँ पे भगवान ने मुझसे ज्यादा ही कर दिया जो खाता है वो खाता है। ऑटो सुनो मेरी बात सुनो आप लोग क्या मैं बोल रही थी मेरी बातों को भुलवा दे रहे हैं है ना। तो 1 हफ्ते के अंदर हमें टाइम दिया गया कि आपको ऊपर जाना है और ऊपर ही रहना है। अब एक बात बताओ जिस फ्लोर पे एक भी दरवाजा नहीं था फटाफट से 1 हफ्ते के अंदर में इन्होंने प्लाई व्लाई मंगवा के ऐसी ठुकवा दिया है ना। उसके बाद एसी लगवा दी उसमें उसी रूम का एक कलर करवा था हम उसमें आ गए और वो हमने दिखाया नहीं किसी को बताया नहीं जब शिफ्टिंग हुई थी ना नहीं वीडियो मैंने बनाया था कि मैं शिफ्ट हो रही ऊपर बट उस समय मेरा बेड था ना सामने वाला आया पापा जी को कुछ दिखाने के बहाने और वो मेरा रूम और बेड दिखा दिया कि यहाँ पे भाई हमने इनको भगा दिया है। ये तो बता नहीं रही तो इनडायरेक्ट हम दिखा देते हैं आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो तब मैंने शिफ्टिंग की वीडियोस बनाई थी और डाली थी कि मैं ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ।
खैर अब आते हैं तो उसे... नहीं तो जो ऊपर मुझे भेज दिया वो किचन बांटने से क्यों कर रहा है, मुझे टॉर्चर करने के लिए कि मैं ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे करती हूँ, मेरा बच्चा कितनी बार दूध मांगे खाना मांगे उसके लिए मैं ऊपर नीचे करती रहूँ, नीचे जो रहे तो मुझे जाकर पूछना है कि आपको कब खाना है नहीं खाना उसके लिए मैं ऊपर नीचे करती रहूँ, मतलब मुझे कैसे भी चैन से नहीं रहने देना। आपको एक बात बता दो, जो सामने वाला कह रहा है ना कि यूट्यूब बंद करवाने के लिए, क्या कोशिश नहीं की गई मेरे यूट्यूब चैनल को बंद करवाने के लिए? सिल्वर प्ले बटन, चलिए अब आपको एक और प्रूफ देते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मेरी सास मेरे साथ खुश रहती, ससुर जी मेरे साथ खुश रहते, मेरे जो रिलेटिव है मेरे साथ खुश रहते, तो उन लोगों को गलत बोला जाता है, ठीक है, गलत का साथ देने वाले को गलत बोल दिया जाता है, लेकिन कोई उसके कैमरे के पीछे का सच नहीं जानता कि जो साथ दे रहे हैं ना उसके, उनकी क्या मजबूरी है। आपको रोकूंगा, मैंने ना थोड़े टाइम पहले आपकी एक वीडियो में कहा था कि आप ना इतने ज़्यादा जजमेंटल मत होइए, 15-20 मिनट की वीडियो में देख के किसी को भी आप कमेंट कर देते हो, लेकिन उसके बाद हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो ओपन होंगी। अब हमेशा देखते रहते हैं तो कुछ लोग अंदाजा लगा ही लेते हैं, और जो देखेंगे उसी के हिसाब से बोलेंगे, ठीक है। तो आप जज करते हो, ठीक है, कमेंट करना, आप जिन व्यूअर्स को प्यार दे रहे हो अगर आप उनकी किसी हरकत से या किसी बात से नाराज़ हो तो चलो ठीक है, आप अपना गुस्सा या आक्रोश उस पर जाहिर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो ये चीज़ दिखाई जाती थी कि भाई सिल्वर प्ले बटन ओपन हो रहा है या घर का कोई फंक्शन हो रहा है तो भाई करता धरता कोई एक इंसान है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत पहले भी आपको कहा था, आज मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर छोटे से मोमेंट को छोड़ दें तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो शेयरिंग बेसिस पे ही होता है। जो लोग बोल रहे हैं कि व्यूज़ और नेगेटिविटी और सिंपथी कार्ड खेल के इंटीरियर करा रहे हैं, तो भैया भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, हम जिस भी लायक अपना इंटीरियर खुद से करा रहे हैं बिना किसी के भी एक पैसे की हेल्प लिए, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे फैमिली का कोई और सदस्य हो, हमने किसी का नाम भी नहीं लिया कि हम ये कर रहे हैं, जो भी कर रही हैं सबसे ज़्यादा ये कर रही हैं, मैं कर रहा हूँ, हमारा धनुआ कर रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा ना हमने किसी से कोई वो किया, हाँ हमारे माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की दया है, जो भी हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, मौसा जी, मौसी जी या कोई भी मामा जी, आज का मैटर ये नहीं है इन सब चीजों को क्लियर करने का, वो बात मैं सिल्वर प्ले बटन की जो बात हो रही है और जो बोला जा रहा था, है ना, अभी आपको याद होगा कि मैंने बोला कि मेरे सास ससुर या मेरे फैमिली मेंबर जो मेरे साथ है इसलिए लोग उन्हें भी गलत बोल देते हैं, है ना, कि ऐसे कैसे हो जाए, मैं सही हूँ इसलिए मेरे साथ है, नहीं, तुमने डराया है इसलिए वो तुम्हारे साथ है, प्रूफ बता रही हूँ, हाँ जी, मेरे सामने डराया गया, मेरे देवर ने मेरी सास को मेरे सामने डराया और धमकाया कि कामनी की वीडियो में आप क्यों आती हो, आपको नहीं आना है, साफ सीधे मेरे सामने बोला है, कल को आके मेरी सासू माँ भी अगर चैनल पे आके बोल देंगे ना कि मुझे नहीं बोला है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब से उन्होंने बोला है ये बात तब से मेरे चैनल पे मेरी सास नहीं आती ढंग से, चाहे कितने भी प्यार से वो मुझसे रहे, चैनल पे कैमरा ऑन होते ही वो ऐसे होपलेस सी हो जाती है, ऐसे रिएक्ट करती हैं कि जैसे कि मेरे चैनल में खुश नहीं है, क्योंकि वो चीज़ कहीं वो देख के फिर से वही काम ना करे जो सालों डेढ़ साल पहले किया गया था। बीमार रहते हैं तो अब मेरी बात एक और, हाँ, परहेज करता है इस उम्र में, कलेश ना हो घर में, बच्चे हैं साथ, तो इसकी वजह से मुझे टारगेट करवाया जाता है, ठीक है, मुझे किस तरीके से टारगेट करवाएगा। और सुनिए, जो सिल्वर प्ले बटन ओपन हुआ था ना उससे इतनी मिर्ची लगी थी किसी इंसान को, इतनी मिर्ची लगी थी कि वो सिल्वर प्ले बटन में शामिल नहीं था कि इसका बाद में आया कैसे ओपन हो गया, इसलिए शामिल नहीं हुआ। जिसको मैंने क्रेडिट दिया वो कार्ड पढ़ने के लिए दिया, उस इंसान किस फॉर्मेलिटी के तौर पे मजाक बना के पढ़ा वो भी आप लोगों ने देखा हुआ है। खैर छोड़िए, वो मेरा लास्ट मेरी लाइफ का वीडियो था जिसमें मेरी पूरी फैमिली, चाहे वो मामा जी की फैमिली हो, मेरे ननद के ससुराल की फैमिली हो, मेरे खुद के सास ससुर हैं, ये सारे लोग इस तरीके से शामिल थे। उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की थी और इतने खुश थे मेरे सक्सेस से कि वो उनके लिए वो ब्लैक डे बन गया, लास्ट उनके लिए और मेरे लिए भी, कि वो लास्ट डे था कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खुश थी, और वो सिल्वर प्ले बटन मेरे सासू माँ ने मेरा ओपन करवाया या मैंने ओपन किया ये सोच के कि मेरे बेटे का बर्थडे है, स्पेशल डे है, मैं ये चीज़ें फिर अरेंज नहीं कर पाऊंगी इतना, इसलिए मैं भी कर लेती हूँ क्योंकि सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और इस चीज़ का मिर्ची ऐसा लगा कि पूरे रिलेटिव के साथ, मेरे सास ससुर के साथ, कोई भी आके यहाँ पे माने या ना माने, बट ये तो प्रूफ है ना कि उसके बाद से ही कोई भी मेरे वीडियो में ढंग से नहीं आता। ये डरता है सोच के कि ये सामने वाला जो अपने आप को बता रहा है कि औरतों की इज्जत करता है, वो औरतों के साथ क्या कर सकता है, किस हद तक उन्हें बोल सकता है, गाली दे सकता है। तो ये तो हुई, चलो उसकी, आपके सिल्वर प्ले बटन की बात, और ये भी हो गई बात कि ऊपर में क्यों आई, ठीक है, दावा भी किया जा रहा है किचन में ही वो होगा। जो कुछ भी मतलब इस तरीके से सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि हमारे फैमिली मेंबर ऐसे, हमारे फैमिली मेंबर वैसे, कोई रो रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भाई देखो, मैं ये सब चीज़ें ना अपनी लाइफ में अब बहुत देख चुका हूँ, और मैं अब खुद को और कामनी को इन सब फालतू फंड के नाटकबाजी से ना ऊपर ले आया हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही काम है, वो है
अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करना है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए मेहनत करना है। कोई स्त्री को बोल रहा है, पुरुष को बोल रहा है, किसको क्या बोल रहा है भाई, जो बोल रहा है अपने घर तक रखो। मेरे इस पर्टिकुलर फैमिली में प्लीज़ गंदगी मत फैलाओ, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, भगवान आपका भला करे, जहाँ रहो खुश रहो, आशीर्वाद है बड़े होने के नाते, बहुत सारा लाड दुलार है, फालतू गंदगी मतलब इस ये रास्ते आपके लिए बंद है। और बोला गया ना ये है ना कि मोर्चा संभाला गया है, ये किया गया, मुंह ज्यादा मत खुलवाओ, इतना आज की वीडियो में मैंने बोल दिया बहुत है, मुंह ज्यादा खुल गया ना तो सच बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप चैनल बंद करके उल्टे पैर भाग जाओ। और इसको धमकी मत समझ लेना, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, जिस दिन बोलूंगा ना तो जो लोग इधर उधर कमेंट्स को लाइक कर रहे हैं और इधर कर रहे हैं और जो लास्ट टाइम आपने एक्शन का रिएक्शन दिया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, तो शरीफ को शरीफ रहने दो, ठीक है प्लीज। और हाँ, मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि मैं साफ से भी क्लियर बोल रही हूँ कि वो वर्ड अधिकतर यूट्यूब पे मेरे लिए यूज किए जाते हैं, जो गंदे शब्द बोले जाते हैं ना वो मेरे लिए ही बोले जाते हैं, क्योंकि ऑफ कैमरा भी मुझे उसी इंसान ने 75 बार इससे भी घटिया घटिया बातें बोल चुके हैं। ठीक है, जब भी बात आती है ना कि बीबी को चारों तरफ से लोग घेर रहे हैं, तो यार वो मुझे आके क्यों नहीं घेरते? मैं इतनी ज्यादा ऐसे कैसे हो सकती हूँ कि मैं अपने कैमरे में किसी और का फेस एडिट करके डाल देती हूँ कि उसका मुंह टेढ़ा है, कि मेरे कैमरे को देख के मुंह चमक जा रहा है, ये क्या रहा है? हाँ, पता नहीं कब से हो गया, यही लोग कहते हैं ना कि मैं दिखाती नेगेटिव, मुझे ना पता है क्या एक्सपर्ट हो गया शायद, मुझे लग रहा है, मुझे ना ऑफ कैमरा भी ये बात बोला जा रहा है कि मैं अच्छा बन के लोगों को गलत दिखाती हूँ। अरे याद आ गया, अच्छा बनके गलत दिखाती हूँ, ये जब हुई थी तो बात, आपको पता है ना कि मायके में जाके अपने पति देवर और अपने माँ बाप, यानी इस चीज में सपोर्ट पति का ही नहीं माँ बाप का भी है, ये बोला गया था कि उसका क्या जाएगा, जहाँ जहाँ मैं और मेरी सास नहीं, वीडियो की क्लिप में मेरे पास है रखी, वो क्लिप हम इसमें ऐड कर, वो ऐसे बहुत सारे लोग देख रखे, लेकिन हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड कर दूंगा, ये बोला गया था जब कोई एक छोटा, नहीं अभी मत डालना, ठीक है, उसका सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन डाल देना, उसका क्या जाएगा, पूरी क्लिप मेरे पास है, सेव है, इसको आराम से ना ज्यादा कुछ अगर तिया पाचा करेंगे तब पूरी क्लिप उठा के डाल देना, ठीक है। और तो जो ये शादी की शादी वाली क्लिप भी है मेरे पास, अच्छा ठीक है, तो पहले हम यहाँ बातें करते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा, कोई छोटा अगर अपने बड़ों के लिए ये बोलता है उसका जाएगा तो क्या जाएगा, मेरा जाएगा, मैं यहाँ पे क्या वो करने आई हूँ, मेरे पति का यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे सास ससुर में मेरा कोई हिस्सा हक नहीं है, जो तुम पीठ पीछे अपने माँ बाप के सामने, दैट मीन्स तुम्हारे माँ बाप भी यही सिखाते होंगे कि वहां पर वो कुछ नहीं बोले। और वीडियो लाइव हो गया, वीडियो लाइव होते ही जब लोगों को पता चला तो वीडियो को डिलीट किया गया, उसके बाद एडिट करके फिर दोबारा डाला गया, फिर लोगों ने कमेंट किया कि चाची के चैनल पे वही चीज शूट हुआ था और चाची के चैनल पे भी आ गया था और वहां से भी फिर बाद में डिलीट करवाया गया, लेकिन ये नहीं सोचा कि लोग बहुत दिमाग वाले होते, लोगों ने डाउनलोड कर लिया था उस वीडियो को। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? औरतों की इज्जत करने वाली, किसी औरत के लिए आपसे नहीं बोल रही हूँ, जो औरत की इज्जत करते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जब उनकी वाइफ उनके ही घर की किसी औरत के लिए ऐसी बातें बोल रही है, अभी इसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है, उस टाइम आप कहाँ पे गए थे कि एक आप ही के सामने एक औरत दूसरी औरत को इस तरीके से बोल रही है, आपके घर की आपके सामने, चलो वीडियो कंट्रोवर्सी और कॉमेंट की तो बात ही छोड़ दें, और जब जब चीजें कैमरे पे नहीं आती थी है ना, उस टाइम आप तो औरतों की इज्जत बचपन से करते हैं ना, 9 दिन की व्रत आप कब से करते हैं, 9 दिन का व्रत करना एक ढोंग भी हो सकता है, पूजा को बीच में नहीं लाता, पूजा को बीच में लाया गया है ना कि हम पूजा करते हैं 9 दिन का व्रत, 9 दिन का व्रत करने से क्या हो जाता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन में पाप है तो 9 दिन का व्रत रखो या 9 साल के व्रत रखो, फल तो कहीं नहीं मिलना। अगर आपने वो पूजा मन से की होती ना की होती है, लेकिन इज्जत अगर औरतों की होती है तो आज आपकी ये बातें सामने नहीं आ रही होती, जो आपने किया है वो आपके आगे आनी है। मैंने 75 बार बोला, गनवा फोन कर रहा है, रुक जाओ, तो सारी चीजें आपके सामने हुई थी, कभी आपने घर में जिक्र भी नहीं किया, कभी डांटा भी नहीं, आपकी नजर में आपकी पत्नी कभी गलत थी ही नहीं। जब मैं इस घर में आई थी ना तो मैं गलत होती थी, मम्मी सही हुआ करती थी आपकी, ठीक है, लेकिन जब आपकी पत्नी आई ना आपके घर में तो आपकी पत्नी सही और आपकी माँ, वही माँ जो मेरे टाइम पे सही हुआ करती थी, वो गलत हो गई, ठीक है। यार मैं कब सही थी? अगर मैंने आपको इतना हक दिया, मैं जानता हूँ आप कब सही थे कब नहीं थे, मैं उनकी नजर में कब सही थी, इसका जवाब है उनके पास? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना इसका जवाब, आप उनकी नजर में सही थे, लेकिन खुद को ऊपर रखने के चक्कर में ना कोई इंसान किसी को भी गलत साबित कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेल ईगो की बात सिर्फ होती तो फिर पत्नी क्यों सही है, बात वो नहीं है ना, देखो मेल ईगो, मैं इस शब्द का इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूँ कि जैसे मैं एक लड़का हूँ, अगर मुझे अपनी बात अपनी भाभी से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से या बेटी से, बिटिया से, किसी से भी अगर ऊपर रखनी है ना,
तो पहले मैं अपना ईगो देखूंगा, अपने ईगो को सेटिस्फाई करूंगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सामने वाला हो सकता है वो किसी और बुद्धि विचार में रख रहा हो कि नहीं भाई उस लड़की पे ये बात इम्प्लीमेंट होती है लेकिन मेरी बीवी पे नहीं होती है, अगर मेरी बीवी करेगी तो उसको सब माफ है, परी है उसके लिए, साथ सपने देखें जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है। तो हर इंसान की अपनी मानसिकता होती है, क्योंकि हमेशा उस चीज़ को मुझसे कभी कुछ मैंने आपको गलत नहीं बोला ना, मैं मेरी नजर में आप कभी गलत साबित नहीं हुए ना, तो उस गलत तो साबित में मम्मी की नजर में भी कभी हाँ, तो बस फिर रिलैक्स रहो ना, किसी लेकिन वो चीज नहीं दिख रहा ना आज यहाँ पे कि मम्मी कभी आके नहीं बोली ना कि मेरी बड़ी बहू ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं ऐसा बिहेवियर दिखता है कैमरे पे। देखो आपको पता है जब जब ना प्रेग्नेंट होने के बाद जब तबीयत खराब थी ना उनकी पत्नी की, ठीक है, तब तबीयत खराब थी उसकी जिम्मेदार मैं होती थी, वही एक एक दिन सोच के काट गया कि वो बीमार मैं डालती थी, बेटी हुई उसकी जिम्मेदार मैं थी। अच्छा, ये तब भी बोला गया, ठीक है, पहले चुप रहो। मुझे तबीयत खराब होने जब भी तबीयत खराब होता था ना मेरे साथ ऐसे बिहेवियर किए जाते थे कि मैं डिप्रेशन में गई, मैं डिप्रेशन में से नहीं गई थी, मुझे इतनी इतनी गंदी गंदी बातें भूली जाती थी। बस हो गया प्लीज, मैं यहाँ आया हूँ इस वजह से कि आप... नहीं ये भी बात बता दूँ कि जितनी भी प्रेगनेंसी की स्टोरी बताई गई है ना कि जब इतने अचानक से रात में तबीयत खराब हो जाता था मम्मी लेके जाती थी, मम्मी तो उस टाइम होती ही नहीं थी, मैंने तो यही बात बोली ना कि अधिकतर मैं लगे थे, अधिकतर नहीं, वो हर टाइम पे मैं ही लगे गई, ये कह के मैं गाने वाली बात नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि ऐसी ऐसी बातें क्यों बोलना जो चीज सही नहीं है, या तो तुम बोलो ही मत और बोलो तो झूठ मत मतलब बोलो कि सामने जा रहे सामने वाला सामने ले है। कहने का मतलब ये है कि सेक्स को मैनिपुलेट करके किसी के सामने रखना एक कला है, हर किसी के बस की वो बात नहीं होती है कि सेक्स को कोई मैनिपुलेट कर दे किसी भी तरीके से, थोड़ा उसमें अपना मिर्च मसाला लगा दे डेली सोप जैसे। मेरी सबसे बड़ी कमी यही है कि मैं जो बोलती हूँ सीधे बोलती हूँ, सामने बोलती हूँ, थोड़ी खड़ी बोली, हरियाणा में रही है ना शुरू से तो थोड़ी इनकी टोन वैसी है, सामने आप जो भी YouTube पे भी देखते हो ना बिल्कुल सबको सामने जो चीज मेरी जैसी लाइफ चल रही है ना वैसी है, मैं उसमें कुछ भी तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाती हूँ, मेरा शुरू से ही यही रहा है, मेरा चैनल क्यों ग्रो कर रहा है, लोग मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट क्यों कर रहे हैं, मुझे इतना लव क्यों मिल रहा है, इन सब चीजों से सामने वाले इस हद तक दिक्कत हो सकता है। उस टाइम भी अगर मैं खाना बना रही तो चुपचाप ब्लॉगिंग कर रही हूं, किसकी कब कैसे गिर जाएगी, किसी ने किसी का ठेका नहीं लिया होता है, ठीक है, अगर आप सही हो ना तो लोग आपको प्यार करते हैं, बड़े बूढ़ों का, माँ बाप का, आपके जन्म देने वाले माँ बाप का, सास ससुर का, किसी भी बड़े बूढ़े का आपके ऊपर आशीर्वाद है, इसीलिए कल क्या था, कल तो कुछ भी नहीं था ना हमारे पास, भगवान ने देखा कि इनके साथ गलत हो रहा है तो उन्होंने एक सहारा दिया, मेरे को भी किसी लायक बना दिया, बच्चा भी अच्छी जगह पढ़ लिख रहा है, तो आज हम इस लायक तो हुए कि उनके मुँह पर ये सब चीज़ें भी तमाशा ही है एक किस्म से, जो कभी मेरे को ढंग से खाने को नहीं मिल पा रहा था, मेरे खाने की हैबिट को लेके, मिर्च मसाले को लेके, एक्स मतलब एक्स वाई जेड जो भी उसके रीज़न रहे, अब इसमें भी फैक्ट को कोई मैनिपुलेट कर देगा कि इस वजह से होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, बट वो चीज़ें तो हम दोनों ने देखी है ना, वो सब चीज़ें परे हो गई ना, हमने तो छोड़ दो उसको, कभी किसी पे ना कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया है, ठीक है, इतना हमारे अंदर डर है ऊपर वाले से कि आज अगर हम गलत बोलेंगे ना तो सामने वाले के पास क्या पता प्रूफ हो, वो सामने आके हमें गलत साबित कर दे, करके दिखाए जो मैंने बोला इस बात, मैं एक बात करके, इसीलिए तो हम गलत बोलते ही नहीं है कि कोई सामने वाले से प्रूफ कर पाए, मतलब इतनी जब पूरे हमेशा मुझे ऐसे करते 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 जब मुझे नहीं तोड़ पाए ना तो सारा भारास मेरे भाई की शादी में निकाल लिया, भाई की शादी में मायके वाले ना आए, यहाँ पे एक मिनट, मायके वाले ना आए उस बात से मेरे को एक बात याद आई, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया था, वो ऐसे हो गया था, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, हमने लाइव में देखा था, चलो मैं उन्हीं की बात ऊपर कर देता हूँ, हालांकि उस क्रिएटर ने ये चीज़ वो भी की हुई है, मना भी की हुई है कि थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन जिन्होंने ये कमेंट किया था मैं उनकी बात को बड़ा कर देता हूँ, मान लो थप्पड़ मार भी दिया था, एक बात कह रहा हूँ ऐसा हुआ नहीं था, इस चीज़ का आश्वासन मैं ले रहा हूँ, ये चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, आप क्या गारंटी ले रहे हो, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो भी तो बोल ही चुका कि मुझे थप्पड़ नहीं मारे गए हैं, और सबसे बड़ी बात कि मेरे मायके के घर वालों के अंदर ये संस्कार नहीं है, मेरे भाई के ये संस्कार नहीं है कि वो ऐसे किसी पे हाथ उठाए, लेकिन अगर वहाँ लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ इनके घर वालों का यहाँ आना बंद हो गया वो मतलब विशाल की शादी के बाद ही, तो कभी भी इतने सारे लोगों ने जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या कुछ करते हैं, पॉजिटिव कमेंट वालों में मैंने देखा है वो पूछते हैं कि दीदी ऐसी क्या बात हो गई कि आपके घर वाले नहीं, तो आज हम वो भी बता देते हैं, ठीक है, बात ये हो गई थी कि वहाँ पे हो गई थी लड़ाई, अब किस बात शुरुआत शुरुआत में बता दूं वहाँ पे जो लड़ाई, अच्छा नहीं, लेकिन तो पहले ही हो गई, अच्छा लेकिन उसके बाद, लेकिन मेरे को एक चीज याद नहीं है, आज तक फिर शादी के 2 साल हो गए वो बहन याद नहीं आई ना दोबारा, वीडियो बन गई वो कभी नहीं याद आई, उससे पहले कौन सी याद थी, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, तो
अच्छा ये एक वैसे नया ट्रेंड ही नहीं है जहाँ भी किसी की शादी हो वो भाई बहन हो जाते हैं शादी होने के बाद मतलब खत्म। ठीक है दूसरी बात कि वहाँ पे ऐसा क्या हो गया था भाई उससे पहले ही हुआ था मैं वो चीज तो अच्छा वो तिलक वाला। गाइस जब मैं अपने मायके गई थी ना तो निक्की यहाँ पे 2 महीने से नहीं थी। ये क्यों नहीं थी वो आप जाकर उससे पूछ लेना ठीक है। मेरी सासू माँ यहाँ तो मैं बता रही थी हाँ कि मुझे सब अच्छे से पता था ना कि यहाँ पे नहीं थे ठीक है। और मैं अपने मायके चली गई हल्दी कूटने में जब यहाँ पे कोई था ही नहीं। मेरी सासू माँ से जो मेरी माँ ने बात किया कि हल्दी में मुझे भेजने के लिए है ना। और हल्दी जो कुटाता है ना ऐसा नहीं होता है कि जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सबको बुलाया जाता है। वहाँ पे गोतिया दयात को आई थिंक मुझे लगता है कि बुलाया जाता है। जो शहर में रह रहे हैं उनके गोतिया दयात इतने नहीं होते हैं तो जो अगल बगल में जो रिलेटिव रह रहे होते हैं उनको बुला लिया जाता है। हमारे यहाँ ये चीज़ ऐसे ही होता है। आपके यहाँ कैसे होता होगा आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि पहला रस्म जो होता है ना इसे हल्दी कूटने का ये होता है। मुझे बुलाने का सबसे मेन मोटिव ये था कि मेरे भाई के लिए शेरवानी वगैरह खरीदनी थी जाना था कई सारी चीज़ें की शॉपिंग करनी थी। मैं ही उस घर में बड़ी थी मुझे ये सारी चीज़ों की आइडिया थी इसलिए मम्मी ने उसी टाइम बुला लिया। उसी के चक्कर में वो इतने लेट रखी थी आई थिंक 26 जनवरी को हल्दी कुटाया था। भाई की शादी जो थी वो 10 फरवरी की थी तो मैं गई हुई थी 24-25 को गई होंगी ठीक है। तो मैं गई हुई थी और तिलक में पता है क्या है स्पेशली सबको इन्विटेशन चाहिए हर एक बंदे को कि मुझे कोई आए कि मैं मतलब कि एक तो पर्टिकुलरली मेरा नाम लेके मुझे इनवाइट करो हाथ पाँव जोड़ के जैसे भी करके वो करके है ना। जबकि मेरे भाई आया कार्ड देने के लिए उसने बोला मेरे छोटे वाले भाई ने कि आपको भी आना है जीजू दीदी को भी लेके आना है मम्मी को सबको ठीक है। और ये कार्ड जो है मामा जी के घर दिया गया क्योंकि मम्मी और मेरे जो देवर है वो मामा जी के घर चले गए थे जब मेरा भाई निकला था तब ठीक है। और जो मेरा भाई विक्की है जिसकी अब शादी होने वाली है वो गया हुआ था मेरे देवर जी के ससुराल कार्ड देने के लिए ठीक है। वो वहाँ कार्ड लेके गया हुआ था उन लोगों को इनवाइट करने के लिए कार्ड स्पेशली वो लोग लेके आए हुए थे ठीक है। तिलक वाले दिन जाके ये दोनों भाई साहब और बहन जी जो हैं जो अपने आप को बताते हैं कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं जब टेबल के खाने पे हम बैठे हैं ना मेरी माँ को जलील करना शुरू किया। मेरे देवर ने इतने ऐसी ऐसी बातें बोलने चले गए सिर्फ मेरी मम्मी ने ये कह दिया कि इनकी रुक जा कहा कि जब तिलक हो जाए बारात हो जाए तब अब जाइए अब यही जा रहा हूँ है ना। उसके पीछे क्या रीज़न था वहीं पे उनकी मम्मी भी थी मीन्स मेरी सासू माँ थी मेरी मामी सास थी सब लोग वहीं पे थे और सुमित बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। मम्मी उधर अपने आप से थोड़ी बहुत सफाई दे रही है कहाँ पर ये बोले जा रही मैंने गुस्से में ये बोल दिया मम्मी चुप हो जाओ अब जीत जाओगे क्या इनसे सिर्फ एग्जैक्ट वही यही वर्ड था मेरी यही लाइन थी बस। उसके बाद जो सुमित ने मेरी माँ बहन की वहाँ पे इस दरवाजे पे थूकने नहीं आऊँगा तो ये नहीं करने आऊँगा अपनी बेटी का ये संभाल लो ये कर पूरी बेटी का जो है ना उस माँ बाप के सामने वो बेइज्जत किया कि अगर मतलब दूसरे माँ भाई बाप भाई वहाँ पे होते ना तो पता नहीं क्या कर जाते। फिर भी उनको ये लगा कि यार कोई नहीं रिश्तेदार है बहन के या बेटी के देवर हैं तो कोई बात नहीं जो कर दिया सो कर दिया यहाँ से आराम से चले जाए। मेरी सासू माँ रोई लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई वहाँ पे ठीक है सारी बात मुझे आप भी इधर उधर थे पापा जी भी थे सब तो वहीं पे थे लेकिन इधर उधर थे उस टाइम वहाँ पे नहीं थे। लेकिन जब ये बात जहाँ पे समियाना था वहाँ बोलने के बाद मेरे घर के दरवाजे पे भी आके ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या कर देंगे। अपने गुस्से पे जब कंट्रोल नहीं है ना तो बोलना भी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहिए। मेरी माँ ने ऐसी क्या गलती कर दी और जो भी बोला क्यों बोला उससे पहले नहीं बुलाया आपकी बीवी को तो क्यों नहीं बुलाया ये आप जानो ना। अपने घर में ठीक करो चीज़ों को ठीक करो जो जैसा घर में रहेगा जो चीज़ जैसा रहेगा। क्या आप यहाँ पे आके बता सकते हो कि उससे पहले आपकी 2 महीने से आपकी बीवी मायके क्यों थी नहीं बता सकते ना। तो इसी तरीके से हम सर से नहीं बता सकता है कोई तो बता दो हाँ बता दो और फिर उसमें भी अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो भी बोल दो वो भी हम बात कर लेंगे ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे कर दी गई चलो भाई ठीक है जैसे तैसे भाई की चले जाए। मम्मी वहाँ पे थोड़ा सा मुझे गुस्से में ये बोला मम्मी ने कि तू ये बात खाए मतलब मेरी माँ को मेरे सामने इतना कुछ बोला जा रहा है और फिर भी उल्टा मुझे बोला कि तू ये सब मतलब कि क्यों बोला मतलब वहाँ भी एक औरत को ये बात बोली कि औरत को तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मेरी माँ के सामने जलील सबके सामने किया जा रहा था बात खत्म। वहाँ से गए पता है क्या रिश्ते निभाने बहन की तरफ से कि वहाँ से बुलावा आया है उसका भाई आया है तो लेके जाएगा। तुम्हारे घर में क्या स्थिति है उन लोगों को नहीं पता चाहे वो चलो ठीक है तुम्हारी नजर में घटिया है बेकार है जो भी है मैं उनकी बात नहीं करूंगी अच्छे नहीं हो तो उससे क्या ही हमें उससे कुछ मतलब नहीं हम किसी के लिए हम सुनो हम क्यों बोले हाँ हम उनके लिए क्यों बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे ठीक है। लेकिन आपको तो पता है ना कि आपके घर में दोनों के रिश्ते कैसे हैं कि उन्होंने बोला हाँ एक बार कि हाँ आ जाना तो पहले ही षड्यंत्र रच दिया गया नहीं वो सब भी छोड़ो कोई नहीं
हमें सिर्फ पर्टिकुलरली इस फैमिली की बात करनी है, इस फैमिली के रिलेटेड। ठीक है, वहां पहुंच गया है कि मेरी बहन की शादी है, ताकि सारे वीडियो इस वीडियो के चक्कर में कि सारे वीडियोस डाल सकूं। अब यहां पे मैं एक पॉइंट ऐड करता हूं, आपको ध्यान है ना, मैंने शादी के टाइम पे ये मच्छर कहां से आ गया, वो खुला रह गया था। मैं यार क्या हद करते हो, तो मैंने आपको कहा था ना कि देख लेना नाटक होगा, पर इस तरीके का नाटक होगा ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। अब आ जाते हैं शादी वाले दिन, बहन वहन पहले दुल्हन का चेहरा दिखा दिया, क्या पहन, वो सब तो बात ही छोड़ो, खैर वो छोड़ दिया, हमने बहुत सारी गलतियां इग्नोर कर दी। हाँ। कि लोग कहते हैं कि मैं अपनी चीजों को सोशल मीडिया पे नहीं ला रहा, तुम उकसाओ, सामने वाला कुछ बोल दे तो हम वो लेके आए, तुम रिएक्शन, मतलब वहां पे मेरे भाई की शादी थी, रिश्ता निकल गया। ठीक है, वो छोड़ो रिश्ता भी, अरे छोड़ो ना यार वो सब, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है शॉर्टकट में जितना रखोगे मेरे को उतना बात करने में मजा आता है। मेरे को एक बात ऐसी याद आ रही है, इस तरीके की जैसी आज वीडियो बनाई गई है कि हम फैमिली की बातें नहीं लाते, ये नहीं लाते, वो नहीं लाते, वहां तो पूरे समाज के सामने सारा ड्रामा हुआ था, 400-500 लोग। ये भी तो बात है ना कि साल दो साल पहले यही वो इंसान है ना जो कह रहे थे कि हमारे सेक्शन में कुछ लोग आके फरीदाबाद के स्पेशली हाँ। लोग हैं जो कमेंट करते हैं, मैंने आईपी एड्रेस ट्रैक किया है, आईपी एड्रेस ट्रैक हाँ। किया, कुछ हमने कुछ साइबर क्या पता नहीं कुछ ऐसे दो चार कमेंट आए थे, तब कौन ले गया था और तब कौन रो रहा था वीडियो में। तो ये मतलब नाटक जो है दो चार साल से जारी है, मैं इसीलिए आपको बोलता था शुरू से कि ये वीडियो जो है ना आगे बढ़ने की होल अच्छे तरीके, अच्छे संस्कार या अच्छे काम करके नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की ही है। और आज देख लो वही बात प्रूफ हो गई, जब ये कुत्ते बिल्ली वाला जो हो रखा है ना कि मैं दूध पीऊंगी और मैं दूध पीऊंगी, ठीक है, तो ये वो दूध के चक्कर में ना दूध किसी को मिलेगा, कहीं दूध फट ना जाए अगर ऐसे ही कर्म रहे तो। अच्छा मैं इधर ज्यादा देख रहा था क्या, सॉरी। और मैं तो बात मतलब वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे जो बात मुझे नहीं समझाना, आपको गाइस को बताना है। अरे मैं मतलब कैमरा से इतना फ्रेंडली नहीं हूँ ना, तो मैं अपनी बात आपको देख के ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रख पाता, बात नहीं रख पाते, इसी बात का तो लोग कहते हैं कि हम पति सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए जलन हो रही है। नहीं नहीं भैया, तो मेरे पति सामने नहीं आते तो मेरा सपोर्ट नहीं करते, मुझे प्यार करते ही बिल्कुल नहीं करते, सामने वाले मतलब कि यही है कि सामने नहीं आ रहा है कुछ भी, ये होगा वो होगा, मौका मिलेगा तो हम ये आके बोलेंगे, वो आके बोलेंगे, चाहे तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन जो आपने किया है ना उसकी भरपाया नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं शादी वाले बात पे कि हुआ क्या था। आप इतने से बात को आप समझ जाओगे कि किस हद तक लोग किस लेवल तक गिर सकते, उनके मन में क्या चल रहा था। फीता जब कट हो रहा था ना, उस टाइम लड़कियाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी, 8-10 मेरी भाभी की बहनें, ठीक है, वहाँ वो बहन नहीं दिखाई दी जो कि स्टेज पे चढ़ने के लिए मुझे देख ली कि ये स्टेज पे गई है तो मैं लड़की की बहन हूँ, मैं स्टेज पे जाऊंगी। आपको पता है क्या हुआ, वो स्टेज वो गोल गोल वाला बनाया गया था, ठीक है, रिवॉल्विंग वाला था। भाई को थोड़ा सा फोबिया है इस चीज से, वो पहले ही यूट्यूब वगैरह पे देखा हुआ था कि ऐसे स्टेज जो है टूट जाते हैं, मेरे टाइम पे भी बहुत सारे लोग चढ़ गए थे जिसकी वजह से वो डगमगा गया था। उसी टाइम लोगों ने सर्च किया था कि इस पे लड़के लड़की के अलावा और कोई नहीं चढ़ता है, तो मेरे टाइम वो गलती हुई थी, लेकिन इस टाइम तो हमें याद था और मेरे भाई कई बार ये देख चुका था इसलिए डर था। तो उसने बोला हुआ था मेरे भाइयों से, दोनों भाई दो साइड खड़े थे, कि किसी को स्टेज पे नहीं आने देना, ठीक है। लेकिन एक होता है ना किसी के साथ बॉन्ड, जैसे कि मेरी जब शादी हुई ना तो इनके साथ इनका कोई जीजा या कोई फ्रेंड नहीं था, इनकी मम्मी थी एनी टाइम, ठीक है। बाद में फिर जब मम्मी वहां से इधर रिश्तेदारों में आती तो एक होना शादी के बाद जो मतलब कि कुछ रस्म हो जाता है ना, माँ आ जाती है, हाँ उसके बाद, ठीक है। तो हम क्या वहां पे कहेंगे कि वहां पे जीजा को होना चाहिए था, नहीं, जिसका जिसके साथ जो बॉन्ड होता है, जो उसके कैपेबल होता है इस चीज के लिए, वो ये काम करता है। तो मैं अपने घर में मैं हूँ, मुझे वो इंपॉर्टेंस मिलता है, मेरे भाई ने बोला होता कि तू हमेशा मेरे साथ रही हो, वो स्टेज पे मुझे इशारे से बुलाया भी, मैं नहीं गई, उसने दोबारा फिर बुलाया, ठीक है। दोबारा मैं स्टेज पे जब गई तो मैं उन्हें माला पकड़ा के और मैं उतर गई थी, मुझे लग रहा नहीं थे आप एक दो सीढ़ी नीचे आ गए, हाँ, तो फिर उसने मुझे बुला लिया कि ऊपर, हाँ, कि ये जयमाला हो जाएगा। मैं उस टाइम भी नहीं था वहाँ पे, मैं उस टाइम भी वहाँ पे नहीं था, जयमाला वाले, तो मुझे ना मेरी सासू माँ ना इधर कोने से बोल रही थी उतर जाओ उतर जाओ, तो मुझे लगा ना कि मम्मी इसलिए सोच रही कि ये माला जो है ना वो हो जाएगा, कि इनका फोटो बिगड़ जाएगा इसलिए शायद बोल रही उतर जाओ। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, विशाल ने मुझे बोला है यही रहने के लिए, है ना। और ये भगवान, मुझे क्या पता था कि वहां पहले ही नाटक ड्रामा हो रहा था कि वो स्टेज पे क्यों गई है, तो इसको भी जाना है। तो एक बार और उसने मेरे छोटे वाले भाई से, भाई के सामने जाके बोला कि स्टेज पे जाना है, और उसने मना कर दिया कि नहीं दीदी आपको नहीं, नहीं जाना है वहां पे, है ना, मना किया था उसने, तो ये मेरे को थाली देनी है, है ना। तो उसने कहा आप मेरे को दे दो, मुझे करनी है, तो उसने बोला ठीक है दे दो, नहीं खुद ही बोली तो लो फिर तुम ही दे दो, झटक के, हाँ लो फिर तुम्हें, उसने लेके दे दिया। भाई साहब बहन जी गई और जाके और अपने पति के सामने वो रोना धोना एक्टिंग किया, वहां पे कोई था जिसने मुझे सारी बातें बताई, क्योंकि उस टाइम मेरे देवर वहां पे नहीं थे, वो सीन नहीं देख रहे थे, और सिर्फ अपनी पत्नी के रोने धोने और कहने पे आके उन्होंने आके मेरे भाई से बोला कि चल उधर बात करनी है, ये वीडियो भी है हमारे पास, लेकिन मेरे भाई ने वो कर दिया,
बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जो बात करनी आप यहीं पे करो, ठीक है। और बाद में फिर यहाँ से पकड़ के उसको धक्का मुक्की हुई, ये कॉलर पकड़ के पूरा खींच दिया गया, ठीक है, ये टूट गया उसका बटन। एक छोटा सा बच्चा, वहां पे तीन लोग थे, दोनों ये पति पत्नी थे और एक मेरे एक और कोई था, जो दोनों मेरे देवर तो कम रिएक्ट करे, हाँ एहसास हुआ, कोई बात नहीं उस एक इंसान को, मैं इसलिए उनका नाम ही नहीं ले रही, उनकी तो बात ही छोड़ो, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है, सॉरी मेरे जो देवर है, वो वहां पे अभी खड़े थे जब विवेक चिल्लाया, उसका कॉलर तोड़ा गया और चिल्लाया कि क्या कर रहे हो। तब तक दो लोग यहाँ से, पत्नी श्री जी देवर जी की और एक और जो थे, वो दोनों एकदम ऐ करके ऐसे उस पर चिल्लाए। वो सीन आज भी देखती हूँ ना मैं अपने आंखों से, तो मैं रो देती हूँ कि एक अकेले बच्चे के साथ इन लोगों ने क्या किया। और उसके बाद उसी को पकड़ लिया गया, पूरा एकदम हल्ला गुल्ला शुरू कर दिए। चलो भाई, वो तो कहते हैं कि एक ऐसा मूवमेंट होता है कि किसकी गलती थी, किसकी था, किसकी गलती थी, किसकी गलती थी, बोल सकते हो ऐसा कोई बोलेगा कि मूवमेंट ऑफ हीट था, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया। तो चलो इस बात को मान लेते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात ही बड़े कर देता हूँ कि चलो मूवमेंट ऑफ हीट था, लेकिन क्या वो मूवमेंट ऑफ हीट इतना था कि किसी के जिंदगी भर का फंक्शन आप खराब कर दो, वहां पे लड़ाई करके हाय अल्लाह करके उस इंसान को भला बुरा कह के अनाप शनाप बातें बोल के कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हम तुम्हारे को वो करके आए, ऐसे करके आए, वैसे करके आए। सोचो आप ये चीज कि उस इंसान की कितनी गंदगी भरी होगी, तो वो सोच के आया होगा कि ये शादी खराब करनी है, क्योंकि वो कामनी के भाई की शादी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उस इंसान पे हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन वो मेरा नेचर नहीं है, मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं कोशिश, ऐसा नहीं है कि मेरा हाथ उठता नहीं है घर पे या बाहर, या मुझे किसी ने कभी मारा नहीं होगा। अगर दो दो हाथ होंगे तो दो मैं किसी को मारूंगा, तो दो हो सकता मुझे भी कोई मारे, लेकिन वो चीज माहौल देखे, वो चीज होती है माहौल देखे। जब लड़ाई करने का माहौल किसी का होगा तो वहां पे इंसान लड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँ, उन्होंने तो अपना जो करना था कर दिया, दूल्हा दुल्हन के बारे में किसी ने नहीं सोचा और वो लड़ाई हो गई। अब क्या, और बिल्कुल अभी बाकी था ना, सारा ही बाकी था। मैंने तो इस बात को इस वे में ले लिया कि चलो ठीक है, उस टाइम का ऐसा मूवमेंट था कि चलो बैसा वैसे हाथापाई होगा, तो ये होता ना भाई, अब तो हो गई यार, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे अच्छा, मुझे टेंट में से आ रहे थे बस। हाँ। उसके बावजूद सबको पकड़ा गया, अलग किया गया, ये कुछ नहीं बोले, मेरा भाई नहीं बोला, बड़ा वाला भी, ठीक है। और मेरा जो छोटा वाला भाई था ना, जिसकी शादी हो रही विक्की, वो बस आके बोला कि मतलब डैस ये कौन था जो ऐसे कर रहा था, उसे पता ही नहीं था कि ये कौन ऐसे कर रहा था, उसको पता ही नहीं था कि कौन ऐसा कर रहा था, सबको पकड़ लिया गया, ठीक है। भाई साहब, मेरे देवर जी और देवरानी जी समियाने के बाहर जाके वो इज्जत की धज्जियां उड़ाए मेरे भाई की, जिसकी शादी हो रही थी, मेरे पिता को इतनी गंदी गंदी गाली दी, इतनी बातें बोली, वो हो गया बोलते बोलते बोलते, जब थक गए उन्होंने देखा कि यार ये तो शादी रोक ही नहीं रहे हैं, मैं इतने ड्रामे कर रहा हूँ, ये तो शादी रोक ही नहीं रहे हैं, उनको पोक कर करके उनकी पत्नी जी लेके आती रही कि यार देखो शादी तो हो रही है, कैसे हो रही है। और जहाँ पे ना स्टेज पे फोटो खिंचवाने के दूल्हा दुल्हन, हमने सोचा कि चल भाई कैसे भी शादी हो जाए इनके, वहां पे मेरा छोटा भाई खड़ा था ना, तो बबनी को हाथ में लेके वहां पे और जाके फिर से विवेक को, मेरे छोटे वाले भाई को, अरे चल तुझे मैं बताऊंगा चल, मतलब एक बार हो गई, लेकिन ये शादी फंक्शन खराब करने की नीयत से ना दोबारा आके वहां पे उसे घसीट के ले जाया जा रहा था कि चल मैं तुझे उधर बताऊंगा। पापा मेरे गुस्सा हुए, वहीं पे मेरी सासू माँ भी थी, ससुर जी भी थे, पापा मेरे गुस्सा हुए और गुस्से में सिर्फ ये बोला, आज मैं जो बोल रही हूँ ना अपनी तरफ की भी सच्चाई बोल रही हूँ, पापा ने हाथ जोड़ के ये बोला कि भाई तेरे हाथ पड़ूंगा तब तू जाएगा क्या। भाई साहब, ये एक उनकी बात थी कि उसके बाद जो मेरे देवर ने मेरे पापा को गाली दिया कि क्या ही बताऊं, है ये बुढ़ा को देखो, ये बुढ़ा मुझे तेरे को बोल रहा है ना, ये तो छोड़ो गंदे नाली से उठा के पता नहीं मैंने कहां से कहां क्या कर दिया, मेरे बाप को गंदे नाली से उठाया, मुझे गंदे नाली से लेके अपना देखा है, गंदे नाली से ये बात बोला गया है ना, बस कहां से, मेरे पापा, मेरे ना भाई बहनों को ना कभी मैंने ना 100 रुपए भी नहीं दिए हैं, जो कोई ये कहेगा ना कि उनको कहां से उठा के ले गए हैं, वो अपनी किस्मत और मेहनत से गए हैं। बस रोगे तो मैं वीडियो में नहीं आऊंगा। आप एक बात बताओ, ये तक बोला गया कि नोएडा आना, फिर बताऊंगा, कोई आएगा यहाँ पे, आप लोग पूछते हो ना हमेशा कि क्यों नहीं आते बाबा, मेरी तकलीफ कौन समझता है। बस करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, जब आज घर की बातें लानी है, नाम लेके बोला गया है कि मैं चाहती हूँ ऐसा हो जाना, ये सारे कर्म किसने किए और मैंने किसके साथ क्या किए हैं ये भी आके मुझे कोई बताए, मैंने सामने सामने मुंह खोल के बताया है, सामने मैं उसी बात को थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। इन्होंने एक शब्द भी वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया था, कुछ भी नहीं किया था इन्होंने, मेरी सासू माँ वहां पे रोती रह गई, उन्होंने किसी के माँ को भी बोला और ये पक्ष को इसीलिए बता रहा हूं, कि इज्जत सारी खराब कर दी गई है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें बोली गई। उसके बाद की भी बातें बतानी है अभी कि फिर मेरे माँ बाप मेरे सास ससुर क्यों चेंज हुए, उनको किस तरीके से धमकाया गया। अब मैं अपना पक्ष रखता हूँ, देखो इतनी सारी बात हो गई मेरे बारे में, कभी उस पर्टिकुलर मोमेंट में किसी ने नहीं सोचा कि मेरे बड़े साले साहब की शादी हो रही है, किससे,
किसी इनोन से, ठीक है, कौन नाटक कर रहा है, मेरा ही भाई, तो इन तीनों चारों परिवारों के बीच में जोड़ने वाला सूत्रधार कौन, मैं, और मेरे लिए ही किसी ने नहीं सोचा, तो ये सोच के ना बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में हो गया था। आप लोग सोच मतलब ये पूछे थे ना कि मेरा देह ऐसे गल क्यों गया था, मैं इतना कमज़ोर क्यों गया था, मैं उस टाइम ऐसे पीरियड में था कि खाना है तो खाने का मन नहीं, माहौल ऐसा, ये अपने भाई की शादी में वहाँ थी, उसके बाद से मेरे माँ बाप इतने हेल्थी थे भैया, आज ऐसा कैसे हो गया, उससे टाइम हुए हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो झेला है ना मैंने, तो वो बस मैं ही जानता हूँ कि मैंने क्या झेला है, और ठीक है वो मुस्तकी है, मैं उसको सोशल मीडिया पे ला के इतना कुछ उसका नाटक नहीं करता, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आया कि यार एक तरफ जो नाटक कर रहा है इसको मारूं तो क्या मारूं, ये भाई है जिसकी शादी में कर रहा है वो साला ही है, जिससे कर रहा है वो साला ही है, मेरे लिए ना मेरे माँ बाप ने सोचा उस टाइम, ना मेरे सास ससुर ने सोचा, ना मेरे भाई ने सोचा, ना बीवी ने सोचा, एक्स वाई जेड, इसलिए मैं उस टाइम मेरा देह टूट गया, वो जो धीरे धीरे भी सिर्फ इसीलिए देह टूटा था, मैं रह गई थी ना वहाँ पे तीन, हाँ दो तीन महीना रह तो गए थे ना, लेकिन रहे क्यों थे, ये भी बात बताती हूँ अभी, अभी हुआ क्या कि हम बहुत लेट हो गए, नहीं किसी भी तरीके से इन दोनों को वहां से भेजा गया, अच्छा, तो हमारे जानने वाले थे उन्होंने भेजा, सबने बहुत कुछ बोला, उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला, ठीक है, ये वहां से बहुत मुश्किल से गए, ये भी नहीं कि चलो हाँ वहां से तो आ गए यहाँ नोएडा, ठीक है, मेरी सासू माँ वहीं पे, आप देखना गुरहेती के टाइम पे बैठी हुई, उस टाइम उनकी तबियत नहीं खराब थी, वो रो रही थी, अब इन दोनों के दिमाग में सडन से ये चला कि हम यहाँ पे आ गए तो लोग हमें गलत कहेंगे कि कुछ तो हुआ है कुछ भी, तो उन्होंने मेरे सास ससुर को बुलाने के लिए नया षड्यंत्र रचा कि अगर हम अपने सास ससुर को बुला लेंगे ना तो हम साबित कर देंगे, लेकिन वो षड्यंत्र के बारे में हमें बोलने की जरूरत नहीं, बोलना उनका वो षड्यंत्र है ना, वो अपने आप बोल लेंगे, तो ये तो मतलब कि वहां पे जब मेरी मम्मी बैठी हुई थी तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मम्मी वहां पे रही मेरे सास ससुर तो सबको पता चल जाएगा कि कामनी की कोई गलती नहीं है, वरना सास ससुर साथ में नहीं थे, तो किसी षड्यंत्र के थ्रू ऐसी ऐसी हरकतें की गई थी कि पहले मम्मी को फोन किया गया, बुलाया गया, मम्मी नहीं गई, मम्मी ने फोन बंद कर दिया, तो किसी दूसरे के फोन पे मेरी ननद के फोन पे फोन करके बोला गया, और उन्होंने क्या बोला गया जिसकी वजह से मेरी माँ को, मेरे सासू माँ को डर के घर आना पड़ा, घर आने के बाद क्या क्या किया गया था ये वो अपने ब्लॉग में आके बता देंगे किस तरीके से किया गया था, हाजिर की विनती है आप लोग बता दीजिएगा कि क्या आपने कैसा क्या किया कि जो वहाँ पे मेरी सासू माँ को सब कुछ गलत दिख रहा था, मेरी माँ आके यहाँ पे बीमार पड़ गई, दो दिन तक सोई रही, उनके सोने में उनकी दवाई खाने की नींद की, उसमें मैंने फोन किया लेकिन उनको पता नहीं चला कि मैंने फोन किया, उसके बाद क्या मेरे नंबर उनके फोन से डिलीट कर दिए गए, क्या उनके दिमाग में डाला गया कि दो एक दिन बाद फिर मैंने फोन किया तो मेरी सासू माँ ने मुझसे सीधे यही बोला कि तीन दिन बाद अब तरह हमारी याद आए, अब मैं बिल्कुल शॉक्ड कि मुझे फोन करने की चीजें बिगड़ी, उसके बाद मुझे उल्टा मतलब ये बोलने की बजाय कि चल जो हो गया उसको किसी तरीके से हम दबाने की कोशिश करेंगे या कुछ, इसलिए मैंने इतना टाइम भी दिया है, बहुत टाइम दिया हम लोगों ने, साल दो साल ढाई साल इस चीज को दिए कि अब ठीक करेंगे, अब ठीक करेंगे, बस इसी उम्मीद में थी, ठीक है, लेकिन अब ठीक है, जिस दिन जो जिसको बोलना कहना सुनना लिखा होता है वो उसी दिन होता है, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा मेरी तो आज टूट गई, अब जिससे जो बने ना इसका जवाब दे देना, तब मैं देख लूंगा तुम क्या कर रहे थे, जिस भाषा में कहोगे जहाँ कहोगे वहाँ आके तुमसे निपट लूंगा आज के बाद ना, लेकिन खबरदार अगर इधर से रिलेटेड या इधर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आई किसी भी रूप में, क्योंकि आज हमने ये कहानी खत्म कर दी, सोशल मीडिया पर भी लोगों को पता चल गया होगा कि किस हद तक क्या हुआ है कामनी से। देखो मैं एक चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझसे कोई गलती ना हुई हो, क्यों नहीं, इंसान हूँ, गलती तो हुई ही होगी, जाने अनजाने में हुआ, नहीं जाने अनजाने में खुद से भी हुआ होगा जो मुझे पता नहीं चला हो, ठीक है, लेकिन अगर जान के भी हुआ होगा पता नहीं हो, हाँ जो मुझे पता ही नहीं कि मैं जो कर रही हूँ वो सामने वाले के लिए गलत है, ऐसी भी गलती होती है, इसको सामने वाला सोच रहा था कि मेरे लिए जान से गलत कर रही है, हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसी गलती कोई नहीं करी जिसकी सजा मुझे इतनी दी गई है, मेरे माँ बाप इसलिए नहीं आते क्योंकि मेरे सास ससुर ने भी उसके बाद कभी फोन नहीं किया, उन्हें आने के लिए नहीं बोला, ये पूरी वीडियो के सारांश में एक चीज बोल देता हूँ, हो सकता है कि इतनी सारी एक्टिविटी कामनी के साथ हुई है तो लोग बोले कल को कि अजीत बुजदिल है ऐसे वैसे, नहीं यार बात उसकी नहीं है, बात सीधी सीधी सी है कि मैं अभी तक ये सोच रहा था कि किसी अपने से मैं क्या लड़ाई करूँ, किसी अपने को मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, गोदी में खिलाए हुए बच्चे हैं, मैं बच्चा समझ के हर एक चीज को ना अभी तक इग्नोर करे जा रहा था कि नहीं यार चल घर के बच्चे हैं कर दिया, लेकिन घर के बच्चे तो हमसे बड़े बन के रहे हैं ना, ये उनका तानाशाह शुरू से रहा है, जो हूँ मैं हूँ, ठीक है, मैंने माना भी उनको, ठीक है आप जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन इसका मतलब
मतलब ये नहीं कि आपकी पत्नी भी जो कहेगी वही मैं करूंगी। अगर कोई चीज इस घर में कोई भी बात ऐसे हो जाए है ना कि मैंने अपनी फैमिली में कोई भी ऐसी बात डिस्कस हो रही कि ये बात नहीं बतानी है किसी को, कभी मैं नहीं बता सकती वो बात, लेकिन वही बात वो बता देगी। वो जब अगर मैंने कभी गलती से अगर मेरे मुंह से निकला हुआ यही निकला तो भाई क्यों किया, लेकिन अगर वही बता दी तो कोई बात नहीं, मम्मी बता दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ मेरे लिए आएंगे इस वीडियो में ना, मेरे लिए नहीं कि आप भैया इतने दिन तक कहाँ थे जब आपकी बीवी के साथ इतना अत्याचार कुछ हो रहा था, तो मैंने अपना आप बस बोलो ना कि मैं क्या करूंगा, मेरे मम्मी पापा भी तो वहीं पे थे, क्या कर सकते, सब फंस बात वो नहीं है ना यार, सब फंस गए थे की भी बात नहीं है। बात ये की एक अब मैं कैसे समझाऊं यार, प्रॉब्लम यही तो है, कोई बात नहीं, देखो हर चीज को ना आप एक्सप्लेन करोगे तो वो ऐसी लगेगी बनावटी टाइप की। एक होता है अपनों से मजबूरी, इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छी एक्टिंग हुई, ऐसे एक्टिंग थोड़ा दो चार कर लेते हैं, हम भी थोड़ा क्लास करके आ जाते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीख के आ रहा हूं मैं, चलते हैं सीखते हैं। खैर छोड़िए, मैं ये बता रही हूँ, मुझे बात तो क्लियर करने दो, खत्म करने दो। और फिर उसके बाद पापा जी से बात हुई, उस टाइम में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है। तो उसके बाद मैं मायके में रही, और मुझे जो चीज उसके बाद भी हुआ, शादी के बाद भी जो मेरे साथ बिहेवियर किया गया, मैंने सोच लिया कि जब मेरे माँ बाप के सामने मुझे इरिटेट नहीं कर रही हूँ सुनो, तो उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि मैंने बोल दिया कि क्या ही फायदा, जहाँ कोई इज्जत ही ना और रिस्पेक्ट नहीं हो, मैं इस घर में जाके क्या करूँगा, मुझे इस घर से कोई लालच नहीं है, मुझे बस शांति से रहना है, ठीक है। इन्होंने भी मना कर दिया कि मैं नहीं लेके आऊंगा, और ये बाप रे मुझे षड्यंत्र करने के लिए कि खुद से आ जाए, इसके लिए रामायण का पाठ तक करवा दिया गया। हाँ। है ना, इतने षड्यंत्र रचे गए है ना कि कमजोर पड़ जाएगी आ जाएगी, या फिर नहीं लाएंगे तो लोग उसको गाली देंगे कि देखो उसको बोल दिया गया, यही करके ना तुमने मेरी सास को गाली दिया, नहीं कि मेरे और बाबू के बिना ऐसा कुछ हो जाए, बाबू चलो आप तक मैं फिर भी साइड कर देता। तो लोगों ने गाली दिया मम्मी को और पापा जी को है ना कि बड़ा जो पोता है वो नहीं है, बड़ी बहू नहीं है, लोग पूजा करा रहे, वो गाली किसने दिलवाया था, तुम लोगों ने दिलवाया था ये षड्यंत्र करके, जब तुम्हें पता था ये इस घर में नहीं है नहीं आएगी, तुमने इतना बड़ा पाठ किस लिए करवाया, और करवाया तो सोशल मीडिया पर क्यों दिखाया, ये सारे षड्यंत्र ना तुम्हारे सोशल मीडिया पे, ये जो जो तुमने किया, और आज आके जो सती सावित्री पवित्रता का जो आप लोग एग्जांपल दे रहे हो कि माता की पूजा करते हुए करते, एक औरत को कितना दर्द दिया है पता ही नहीं है तुम लोगों को। और हाँ, इसके आगे भी अगर आप बोलोगे कोई चीज़ आओगे अपने बहाने देने के लिए, तो जो मैंने बातें अभी तक नहीं बोली है, जो कि मुझे नहीं लगा कि अभी मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों से रिलेटेड थी, तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बोली, ठीक है। 3 महीने में नहीं आई, उसके बाद मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, उसका बोला कि नहीं आना है तुमको, आना है, मैं गया, मैं अपनी सास की जिद से आई हूँ, ठीक है। फिर आते ही ये फैसला हुआ कि हम ऊपर रहेंगे, शायद नवरात्रि चल रही थी उस टाइम, नहीं ये फैसला नहीं हुआ, नवरात्रि 8वां दिन था ना नवरात्रि का, ये बात नहीं हुआ था कि ऊपर रहेंगे, नीचे ही में रहेंगे, नीचे ही रहेंगे, वो तो किसी कंडीशन में जब खूब इतने ज्यादा मुझे टॉर्चर करने लग गए, इतने ज्यादा टॉर्चर करने लग गए, मैं अपने बच्चे को अगर एक थप्पड़ मार रही हूँ उसकी गलती पे, तो भी आके मुझे खूब उल्टा सीधा बोलेंगे, खूब बोलेंगे एकदम क्या क्या कर देंगे, इनको फोन करके अलग भड़काने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे, ये वो करने, तो बिल्कुल मुझे परेशान कर दिया था इस हद तक। और अब आते हैं उस बात पे कि फिर क्या हुआ, बुलाया गया, तो बुलाया गया, तो फिर ये फैसला हुआ कि भाई मतलब दोनों के परिवार वाले आएंगे, इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे, तो वहाँ नहीं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो इतनी बातें हैं गाइस कि हमें याद भी नहीं है नहीं पता सही में, एक्चुअली में मैं सीक्वेंस भूल गया था, हां हां वही तो बात, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे ये जाते हैं कि उसको लेके आ, मैं लेके आ गया, सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैंने उस टाइम रियलाइज किया जब शादी में सारा नाटक हो गया ना, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, और मुझे बहुत धक्का लगा जब बहू को लेके मतलब विशाल की वाइफ पूजा को लेके हम लोग वहाँ फरीदाबाद इनके घर पे चले गए, और मैं उदास हो के सो गया, कब मुझे नींद आई मुझे पता नहीं था, बट मैंने अपना मुँह ऐसे ढका और मैं रोते रोते सो गया वहाँ पे। और जब मैं उठा तो मैं ऐसी बाहर मतलब किसी से बात किए बिना, बहू को देखे बिना, मुंह दिखाई किए बिना, मैं बाहर चले गया ऐसी 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा मैं अपना बाहर ही रहा, रियलाइज़ करता रहा मम्मी पापा से फ़ोन पे बात हुई कि ये सब जो हुआ ठीक नहीं हुआ, ये उम्मीद से ज़्यादा हो गया, इतनी ज़्यादा छूट मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दी थी। ठीक है कोई बात नहीं, समय बीता, आए, सबको बुलाने की बात हुई, तो वहाँ से मैंने एक चीज़ फैसला कर लिया था कि अब ये पानी मेरे सर के भी ऊपर जा चुका है, अब अगर यहाँ से मैं स्टैंड लेना शुरू नहीं करूँगा तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी। शराफत का नकाब मैंने वहीं छोड़ दिया था उस पर्टिकुलर मोमेंट या इंसान या उस तरीके की एक्टिविटी के लिए। वहाँ से फिर 1-1.5 साल से मैंने काम के लिए स्टैंड लेना शुरू किया, जब घर वालों ने बोला वो लोग आएंगे, मैं स्ट्रिक्ट हो गया कि वो लोग नहीं आए। और रीजन गलती आप लोगों ने की है, जब आप लोग रियलाइज़ करोगे, उनके पास जाके उनसे माफ़ी मांगोगे, आपको अपनी गलती रियलाइज़ होगी, तो वो आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे, तो वहाँ पे भी फिर हम लड़के वाले हैं, हम क्यों आए,
वो लड़की वाले हैं वो गलती करते हैं तो वो 36 बार आते हैं। मैंने कहा वो गलती करते हैं तो 36 बार आए चाहे ना आए, मैं उसके बारे में किसी के भी पेरेंट्स के बारे में कमेंट नहीं करूँगा। यहाँ आपके बेटे की गलती है, अगर आप वहाँ जाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कम से कम फ़ोन पर बात करके आप लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। चलो उसमें भी उन्होंने नहीं करा, कोई बात नहीं। इनके यहाँ पे किसका फंक्शन आया था, चाचा जी का, चाचा जी का फंक्शन आया, बुलाया गया नहीं गए, किसी और जगह भी इनविटेशन दिया गया उनको मुझे भी पता नहीं है। अब मेरे सास ससुर के लिए भी गलत कमेंट आने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं, हमसे वो नाराज भी होंगे, वो तो बहुत ज्यादा नाराज होंगे, लेकिन अगर वो इस चीज को समझ लेंगे ना कि किस डिप्रेशन में मेरे ये बेटे बहुत जी रहे हैं, उनके आंखों के सामने क्या क्या हुआ है, तो शायद वो नहीं नाराज होंगे। तो देखो हाँ, नाराज तो समय की नाराजगी लंबे समय की नाराजगी से ज्यादा अच्छी नहीं। और उस टाइम भी तो नाराज हुए थे ना, जब वो लोग हमारे अत्याचार कर रहे थे तो उन लोगों से गुस्सा होते थे, नाराज होते थे, बस यही बात है कि उनकी ऐसी गलत और गंदी हरकतों पे। लेकिन कब तक कोई किसी को छुपाएगा? लोग कह रहे हैं कि हम अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पे लाते नहीं है, ये नहीं। अरे भाई तुम तो हजारों के सामने तुमने ये सब कर दिया, मेरे पूरे मायके और जिनको मैंने कभी कुछ नहीं बताया था वहाँ ये साबित करते। मेरे बाप ना सीना चौड़ा करके बोलते थे मैंने शादी इस जगह पे अपनी बेटी की थी, और उसी पूरे मायके वालों के सामने, वो मेरे लिए बोलते नहीं, और पूरी फैमिली के लिए, मेरे देवर की इज्जत ना इनसे ऊपर किया है मेरे घर वालों ने, ये आप भी जानते हो। कभी भी दोनों दिमाग में ना कभी उन्होंने फर्क नहीं किया, उसके साथ इन्होंने ऐसे कर दिया। चलो किया तो किया, ये सोचने से भी किसी भी तरीके से मैं 3 महीने वहाँ आती ना हमेशा बहाने देती रही कि मैं इस वजह से नहीं जा रही, इस वजह से नहीं जा रही, कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, नहीं हुई। कैसे भी करके मुझे बुलाया गया, मैं इनके बारे में सोच लिया कि एक बेटा अपनी माँ से अपने दूर हो जाएगा, तो चलो मैं आ भी गई, आ गई तो 2 साल टाइम हुआ। आप वहाँ पे इस चीज के लिए नहीं आए थे, आप इस चीज के लिए आए थे कि होली के दिन जब मैं गया था तो विवेक ने कहा था जीजू की हालत बहुत खराब है, ये तो बोला ही था, ठीक है तू जा उनका ख्याल रख, देख कितने दुबले पतले होते जा रहे हैं। क्योंकि हाँ तो वही बात है ना, मैं कहीं और जाने के लिए बोल रही थी ना गाइस, मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया था इसलिए मैं नहीं आ रही थी, मैं बोल रही थी मैं इनके साथ रहूंगी, चाहे मैं एक नमक रोटी खाऊंगी लेकिन चैन से रहूंगी। तो उसने बोला कि जब ये नहीं कहीं वो हो रहा है, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ रहना चाहेगा। नहीं, यहाँ पे भी आप गलत हो, मैंने मकान देख लिया था, हम जा रहे थे, लेकिन मम्मी की उस बीच फिर तबीयत खराब। लेकिन आपको तकलीफ तो होती ना, अरे मम्मी से दूर होते तो बात क्यों, किसको नहीं होती, तो फिर यही सोच लिया ना मैंने। और जब यहाँ पे आए तो अलग ही सीन चल रहा था, उसके बाद भी सब कुछ सह के बर्दाश्त करके मेरे पेरेंट्स कोई कभी नहीं आया, किसी को नहीं बुलाया गया, कभी भी नहीं बुलाया गया, ठीक है। तो उनको अगर मान लो कि अगर ऐसे भी मायके वाले आते हैं, इस चीज़ को मान भी लेते, या जब सारी चीज़ें नॉर्मल होती तब ना, कि इतने बड़े इंसिडेंट्स के बाद अपने आप मायके वाले आ जाएंगे जिनके साथ ऐसा कुछ किया गया। वो वहाँ पे फंक्शन हुआ, चाचा चाची का एनिवर्सरी नहीं गया, बेटी का जब मेरी भतीजी का जन्म हुआ था ना तब मेरे भाई ने फ़ोन किया था, तब भी नहीं गए। कभी यहाँ पे कोई फंक्शन हुआ कभी भी, अरे माँ बाप का तो छोड़ो, बेटे ने भी कभी ये नहीं सोचा कि चलो यार इतना इस लड़की ने बर्दाश्त किया है तो चलो हम एक फ़ोन ही कर लेते हैं। नहीं, अपने ईगो में है कि हमारी कोई गलती नहीं, कैसे तुम्हारी गलती नहीं, जब तुम अपने से बड़ो कैसे गाली दे सकते हो, कैसे तुम कहे तुम्हारे अंदर संस्कार है। चलो फिलहाल इस टॉपिक पर इसीलिए मेरे माँ बाप नहीं आते। और आप बताओ क्या उनका आना सही है, जिसको बोला गया कि खिला पिला मैं रहा हूँ, एक मैं भूल गई हूँ कि मैं क्या बात करती, लेकिन मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मेरे सास ससुर कुछ बोले होते तो मेरे माँ बाप के लिए चलो ठीक है, लेकिन मेरे उनके दामाद भी नहीं बोले हैं, उनका छोटा भाई जिसका कोई राइट नहीं बनता मेरे माँ बाप को ऐसे बोलने का, मेरे भाई को ऐसे बोलने का कोई राइट नहीं बनता, और उन्होंने इतने कुछ बोले, इतने गंद बके हैं, इतने उल्टे सीधे बोले हैं कि उनका अब स्वाभिमान नहीं बोलता कि यहाँ आने के लिए। देखो उन्होंने अपनी बेटी भेज दी, वो कभी नहीं कहते इसी घर की, मैं इसी घर में आके रह रही हूँ, मैं अपना मायका नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे मायका आ भी नहीं रहा, लेकिन मैंने अपना ससुराल भी नहीं छोड़ा, ये सोच के कि चलो एक दिन ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सामने वाले के रियलाइज हुआ, सामने वाले के रियलाइज नहीं हुआ, आज मेरा सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि वो इंसान अपना एक और अलग मुखौटा आज लेके आया था सामने और बोला था कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो भैया आज हमने कर दिया जो हमें करना था। और हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, अगर हमने किसी को आहत पहुँचाया तो, किसी को तकलीफ दिया तो, और रही बात हमारे रिलेटिव की, तो हमारे रिलेटिव जो है हमारे घर आते हैं जाते हैं, जो दूर से भी देखते हैं वो बहुत हद तक सारी बातें जानते हैं कि कौन कैसा इंसान है, कौन किस तरीके से है, तो कोई बात नहीं, उन्हें अगर पता लग गया तो अच्छी बात है, पता लगने से सबको पता है कि जहाँ किसको क्या नहीं पता, दो भाई हैं तो भाई एक खाना अलग बनाएगा तो एक खाना आज नहीं बनाएगा तो माँ बाप के नहीं रहने पर बनाएगा जो भी, और ये चैलेंज हम आपके एक्सेप्ट करते हैं कि आपके रहते हुए किचन अलग नहीं होगा, हम भी देखते हैं क्योंकि हम आपके टॉर्चर को नहीं बर्दाश्त करेंगे। सीधी सीधी सी बात है, आप अपना टाइम से कमाओ खाओ, हमें खाने पीने दो, ठीक है। मुझे उस किचन में कभी अपनापन महसूस ही नहीं हुआ जब से वो किचन बना है, जो मेरे साथ जो मेरे साथ दिखाया जाता, जो मेरे साथ बिहेव किया जाता है उस किचन में, वो मुझे लगता ही नहीं कि मेरा किचन, मुझे नीचे वाला और बात बता दिया जाए जिसका क्रेडिट लिया जाया जा रहा है। नहीं, मैंने ना एक कमेंट पढ़ा तो उसमें दिखाया जा रहा है और ये बोला भी जा रहा है फिर क्रिएटरों के द्वारा कि
ये ऐसे हैं इसलिए, मतलब इनकी वजह से ये घर, बोल दो ना भाई, पत्नी जी अपने पति की वजह से बता रही हैं कि इन्हीं की वजह से सब एक घर के एक छत के नीचे रह रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ऐसी गलत फहमी ना ना वो लोग पालें और ना जो उनको देखें और सुने तो इस तरीके की फालतू बातों से इंस्पायर हो। जिसने कोई कसर नहीं छोड़ा, ठीक है, ये हम बड़ों ने इतना बर्दाश्त किया, उस चीज़ को कोशिश किया कि छोटे हैं इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो, तब जाके सब एक छत के नीचे, वरना ये घर ना बहुत पहले बिखर गया होता। जब आपने सबसे पहली बार लॉकडाउन में नाटक किया था ना, ये घर तभी का बिखर गया होता। और ये बात, ये घर उस टाइम पहला लेंटर भी नहीं पड़ा था। हाँ, ये बात जो आप, हाँ, जो आप ये सोच के कह रहे हो कि भैया हम धमका के कहते किचन एक ही साथ रहेगा इसलिए घर एक साथ है, नहीं, वो सिर्फ ना हमारे माँ बाप की संस्कार है। हमने कोशिश करी कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा ना दें। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से अलग अलग कि किसी भी माँ बाप को ना तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब इतना हमें, जो लोग हमें देखते हैं ना उन्हें पता है कि अजीत और कामनी कैसे हैं, और जो आपको देखते हैं उनको भी पता है कि आप कैसे हो, तो आप छोड़ दो। हाँ, इतनी इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे ब्लेम किया गया, मुझ पर ऐसे बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं इतनी इतनी बातों को लेकर। चलो कोई नहीं, छोड़े, फिलहाल वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। अरे मेरा हाथ टूटा था ना, याद आ गया, मेरा हाथ टूटा था ना, तो स्टोरी और वीडियो डाले जा रहे थे ना कि ऐसे कर्म किए हैं ना, तो इसलिए हाथ टूट गए हैं। अपना दिन याद करो यार, किसी को बोलने से पहले सोचते नहीं हो। खैर कोई नहीं, छोड़ो, वो स्टोरी पराया लगता है यार। मैं तो कपड़े रख के, अरे याद आ गया, मैं तो कपड़े रख के आई थी नीचे कि मैं शिफ्ट होंगी। मैडम जी मेरे कपड़े निकाल के कह रही हैं, पापा जी मम्मी जी ये किसका कपड़ा है, जो मेरा पहना हुआ कपड़ा है उसको दिखा के बोल रही है किसका कपड़ा। मुझे देखो ऊपर आना पड़ गया। उसके अगले दिन मैं एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे रोज ताने दिए जाते थे, मम्मी का रूम गंदा रह रहा है, मेरे का रूम गंदा रह रहा है। देखो चलिए गाइस, कोई बात नहीं होता है। एक इंसान, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात बोली, जल्दी से बोलो, बात खत्म करते हैं। एक इंसान होता है जो ना आपके जैसा या मेरे जैसा होता है, मतलब मेरे जैसे तो बहुत ही कम नमूने होते हैं कि कम बोलते हैं या जिस भी तरीके से अपना कम रिएक्ट करते हैं। एक होता है आपके जैसा खड़ी बोली वाला कि जो मन में आया मुँह फट, जैसे मैं भी मुँह फट बहुत ज़्यादा हूँ, मैं मुँह पे बोल देता हूँ किसी के भी, लेकिन थोड़ा कैमरे को देख के लिहाज करता हूँ, मैं उतना फ्रेंडली नहीं हो पाता कैमरे से। कुछ होते हैं परफ्यूमेंट का ऐड करते रहते हैं बिना काम के। और मेरे पति पे जो भी उंगली उठाई जाएगी पहले ही बोल रही हूँ, वो एक्शन का रिएक्शन होगा, उसका प्रूफ भी उनके पास ही खुद होगा, मेरा तो बाद की बात। एक बात और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अब ये वीडियो जाने के बाद हो सकता है कि बोला जाए कि तुमने ऐसे बोला, मेरे लिए ऐसे शब्द बोले गए, मेरी बीवी के लिए ऐसे शब्द बोले गए आदरणीय भैया द्वारा या भाभी द्वारा। तो मैं बता दूं कि मैंने भाभी ने तो कभी कोई बैड लैंग्वेज एग्जांपल दिया, मतलब मैं भी एक बात बता रही हूं साफ के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मेरे मुँह से, ऐसा नहीं है मैं मना कर दूँ या डिनाई कर दूँ कि मेरे मुँह से कुछ अपशब्द नहीं निकले होंगे, वो हीट ऑफ द मोमेंट होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हुआ होगा जब आपने अपनी लिमिट सीमित बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा अपनी सीमा पार करके इनको कुछ कहा होगा, उसके रिएक्शन में उसके जब चुप कराने पे चुप नहीं हुए हो कि हाँ चुप हो जा, मत बोलो मत बोलो, तब जाकर मैंने ऐसा कुछ अपनी जुबान को, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश होगी कि मैं इस तरीके से जवाब दूं जो कि मेरा स्वभाव नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है इस तरीके की हरकतें करना, चाहे किसी के लिए भी, बड़ा हो छोटा हो महिला हो पुरुष हो, किसी के लिए भी। मेरे को ऐसा, मेरा जैसे आज आके सफाई दिया जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि जो जिस लैंग्वेज में बोलता है तो उसको जवाब देना पड़ता है, बस कुछ उसी तरीके से। एटलीस्ट कम से कम सामने वाला जो बोल रहा था, लिमिट क्रॉस कर रहा था, हम देख रहे थे, उसके बाद आपने बोला है ये कुछ। लेकिन हाँ, ये बात 100% है कि अगर कभी भी इनके मुंह से कोई भी अपशब्द निकला है ना, मैं इन पे गुस्सा हुई हूँ, मैं इनको डांटी हूँ, मैं बोली हूँ, आप ऐसे मत बोलो, नहीं बोल सकते। एक डांटना, एक गुस्सा होना एक अलग बात है, लेकिन किसी भी औरत को किसी भी उसको बोलना एक गलत बात है, अपने आप में ही बहुत बड़ा गलत है। अगर कभी इनके मुंह से निकला भी है तो मैंने उसी टाइम ही टोका है, ये चाहे सामने वाले को दिखावा लगे, जो भी ये दिखावा आप भी कर सकते हो, जो ही करते हो औरतों को बदनाम करके, तो ये कर सकते हो, लेकिन मैंने हमेशा ही टोका है। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू। अच्छा हाँ, अगर आप जो बोल रहे हो कि आपने किसी भी बहन माँ किसी को लेके आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रिगर रख के लाओगे ना, कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं है। उनका आत्मा जानता है कि कौन किसकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। आप जब बोलने लगते हो तो किस हद तक गिर जाते हो बोलने में, ये तो खैर सोशल मीडिया पे ही आ गया है, तो क्या इतना सफाई दे, नहीं प्रूफ तो मेरे पास दोनों तीन चीज़ें ठीक है, वो हमारे पास भी, उनके पास खुद ही, वो बोलने से पहले एक बार के सोचेंगे कि अजीत ने ये बोला तो क्यों बोला, है ना, क्योंकि एक बार आपने स्टैंड लिया ना लास्ट टाइम मेरे सामने मेरे लिए, जिसके बाद से बोलती बंद हुई है, मतलब जब तक नहीं बोल रहे थे ना, ये छोड़ दे रहे थे जो कर रहे थे, इतना टॉर्चर किया गया कि मुझे डिप्रेशन में डाला गया। एक बार बस बोले और लोग कहते हैं पति साथ नहीं देता, हो सकता है इसी बात की जली पड़ी होगी, कैमरे के सामने आया ना, सभी पीछे से देख लिया कितना साथ देता है,
ये भी तो जली पड़ी होने का मतलब हो सकता है, और दूसरों को जलो जलो जलो, हम क्यों जलेंगे भाई, खुश हैं हम अपनी लाइफ में, नमक रोटी खा के खुश हैं, पैसे वाले हो अपने लिए हो, बढ़िया चल रही है भाई और बढ़िया, सब अपने लिए ही होते, कोई किसी के लिए नहीं होते। खैर गाइस, आप कुछ बात अपना कर रहे थे, भूल गए, चलो इस वीडियो का कोई बात नहीं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और यही एक वीडियो नहीं है, दो वीडियो है ना, एक और जाने का जवाब देना है अभी। हाँ। तो बाय गाइस, बाय। अगर आपको आप में हमारे भाई प्लीज मेरी हाथ जोड़ के ना विनती है, देखो मैं ना अब इन सब चीजों से हमें अलग कीजिए, अलग करो, और दूसरा ना मैं देखो कैमरे पे उतना आ नहीं पाता, तो अगर किसी को भी ये लगे कि साथ में इतनी सारी चीजें बर्दाश्त कर ली, ये कर ली, वो कर ली, तो एक छोटा सा एग्जांपल ये सफाई ही समझ लो। हाँ। क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना झेला है ना, ठीक है, तो वहाँ पे बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यही है कि मेरी जगह पे खुद कर वो इंसान, वो लड़की, मेरी बहन या चाची मामी फंस जाते हैं, लड़के अधिकतर फंस जाते हैं, लड़के हर लड़के ऐसे नहीं होते कि अपनी बीवी की बातों में आके ना अपनी माँ को गाली दे या माँ को उल्टा सीधा बोले, ठीक है, उसको गुस्सा दे, लड़के का भी प्लीज सोचना इस चीज के लिए। अब देखो मेरे सामने ये तीन चार बार रो ली, मेरा गला कितना भरा होगा या अभी कितना भरा है वो मैं बोल भी नहीं सकता। अब देखो मैं हंस रही हूँ, नहीं रोना, नहीं मैं ठीक है, रोते नहीं, चलो भाई ठीक है, बहुत लोग आए हैं कहने के लिए कि इज्जत की धज्जी उड़ गई, तो कोई बच्ची भी नहीं थी, ठीक है, इसके लिए भाई मैं देखो ऐसी सब जो करोगे वो भरोगे, मैं फंसा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया था उस समय, ठीक है गाइस, नमस्ते। अगर इतना बर्दाश्त करने के बाद भी अगर मैं किसी की नज़र में गलत हूँ तो गलत ही सही, अब इससे भी ज़्यादा गलत आपको दिखेंगे, लेकिन हमें किसी से लिंक ना किया जाए, हमारा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है, मैंने इनडायरेक्ट तब बोला था और तब भी मेरे लिए उल्टी सीधी बातें बोली गई थी, ऑफ कैमरा तो बोली गई है, खैर छोड़िए, तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से कनेक्ट ना करें, जो रिश्ता है, जो खून का रिश्ता है, हम उसे नहीं हटा सकते, नहीं नकार सकते, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्टेंस बना सकते हैं, आपके भाई आप ही के रहेंगे, मेरे देवर है देवर ही रहेंगे, इस टॉपिक को नहीं हटा सकते, अगर उम्मीद करें क्या पता बुद्धि खुले, बुद्धि अब नहीं खुलेगी, अब क्या सबके सामने आने पे क्या खुलेगी, जब इतने दिन से छुपाया तो नहीं खुली, तो अब तो सामने वाले इंसान और बौखलाएगा कि मेरी सच्चाई सामने ले आए ये लोग, ये भी तो हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, उल्टा सीधा इल्जाम लगाए कुछ हरकतें, कुछ भी बोल सकते, इतना सच बर्दाश्त ना हो, कभी सोचा ना हो कि भाई ये लोग आके बोल देंगे, साथ में मेरे पति शामिल हैं तो शायद मेरे पति को भी कुछ बोला जाए, हो सकता है, हो सकता है, तो हम प्रिपेयर हैं इस चीज़ को सहने के लिए, जो लड़की इतने सालों से इतनी कुछ बर्दाश्त कर सकती है तो ये भी बर्दाश्त कर सकती है। तो मेरी हेल्थ कैसी लग रही है थोड़ा बता देना प्लीज़, मेरी एक बहन है बहुत प्यारी सी, वो हम कहती है भैया ओके गाइस बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।